हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के यूनिट नंबर 1 मैकेनिक्स का ये है आपका लेक्चर नंबर 11। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो अगर आप चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी को हम दोबारा से हल्का सा यहाँ पर रिवाइज करेंगे। दो तरह के फ्रेम होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तमाम चीजों की मेजरमेंट करते हैं। तो वो जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है या कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो दो कैटेगरी में होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं, उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ये जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो नॉन एक्सेलरेटेड नेचर के होते हैं, मतलब इनका अपना एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब एक्सेलरेशन जीरो होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आपका ये फ्रेम पूरी तरह से रेस्ट में हो, इसकी स्पीड जीरो हो, या तो ये कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वैसे में भी इसका एक्सेलरेशन जीरो आएगा, और अगर ये रुका हुआ है तब भी इसका एक्सेलरेशन जीरो आएगा। तो आपका जो इनर्शियल फ्रेम होता है वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, मतलब इसका एक्सेलरेशन नहीं होता है, जीरो होता है, और इसमें जो न्यूटन के लॉज होते हैं वो वैलिड होते हैं, इसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और दूसरा है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन लग गया इसी में, तो बिल्कुल इसी का उल्टा कर लीजिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब वो फ्रेम जिसमें इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन के जो लॉज होते हैं वो वैलिड नहीं होते, ठीक है ना। और इसी में हम लोग स्यूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स की बात करते हैं, जो हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात यह है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होते हैं वो इनका खुद का अपना एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेटेड या रोटेटिंग फ्रेम होते हैं। इनका एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं, नॉन जीरो वैल्यू होगी, और इसमें जो न्यूटन के लॉज होते हैं वो वैलिड नहीं होते। ठीक है, ये दो टाइप हो गए। अब अर्थ की अगर बात करें तो आपको पता है अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, इस हिसाब से देखा जाए तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए। लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से जो उसका एक्सेलरेशन आता है वो एक्सेलरेशन बहुत ही कम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से अर्थ के ऊपर जो भी फेनोमेना हो रही है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग अर्थ को एक इनर्शियल या फिर आप कह लीजिए इस तरह के फ्रेम को की तरह एज्यूम कर सकते हैं। अर्थ जो कि एक रोटेटिंग फ्रेम है, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, उसका अपना कुछ एक्सेलरेशन है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, सॉरी एक इनर्शियल फ्रेम की तरह एज्यूम कर सकते हैं अर्थ के ऊपर होने वाली किसी भी फेनोमेना को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसके रोटेशन की वजह से जो इसका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि अर्थ कैसा फ्रेम है तो आप बताइएगा अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि इफ अ फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, इफ अ फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहां गड़बड़ हो गया, इफ अ फ्रेम इज अ इनर्शियल फ्रेम देन ऑल दोज फ्रेम्स व्हिच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू फर्स्ट फ्रेम आर आल्सो इनर्शियल। ये नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि अगर कोई फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला हर एक फ्रेम भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर आप फिर से इसको देख लीजिए। ये हमारा एक फ्रेम है S, मान लीजिए एक फ्रेम है S और ये एक फ्रेम है S डैश। जो S डैश फ्रेम है वो S के ऊपर ही था, बिल्कुल कॉइंसाइड कर रहा था यहीं पर, जब t इक्वल टू क्या था, जीरो। टाइम t इक्वल टू जीरो पर ये S फ्रेम और S डैश फ्रेम दोनों एक दूसरे के ऊपर ही थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका ये जो S डैश फ्रेम है वो v स्पीड से इस डायरेक्शन में चलने लगा, और जब चलने लगा तो t टाइम पर ये यहां पहुंच गया इसका ओरिजिन, और इसका ओरिजिन यहां पर रह गया। तो ऐसे में अगर आप देखें कि यहां से यहां तक t टाइम में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आगे गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और ये v स्पीड से आगे गया था, t टाइम बाद यहां पहुंचा है, तो ये पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी v इनटू में t। ठीक है, तो ये जो आपका मूविंग फ्रेम s डैश है और ये जो आपका स्टेशनरी फ्रेम s है, अब चूंकि ये स्टेशनरी फ्रेम है तो ये बात तो हमें पता है कि ये हमारा हो गया क्या, इनर्शियल फ्रेम। लेकिन हमें यहां पर ये प्रूफ करना है कि इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाला फ्रेम भी एक इनर्शियल फ्रेम ही बोला जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक पार्टिकल एज्यूम किया है P, और इस पार्टिकल P का हमने पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है इस वाले फ्रेम और इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले फ्रेम S के रिस्पेक्ट में पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर R है, और इस फ्रेम S डैश के रिस्पेक्ट में यानी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो R डैश है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो v into t है। तो अगर हम इसका वेक्टर ले लें तो ये वेक्टर v into t हो जाएगा। तो ये हुआ वेक्टर vt, ये हुआ वेक्टर R, और ये हुआ वेक्टर R डैश। और अगर हम वेक्टर लॉ एडिशन यूज करें, वेक्टर का जो एडिशन लॉ है अगर हम उसको यूज करें, तो आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर r जो है वो इस वेक्टर vt और वेक्टर r डैश का रिजल्टेंट है। जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन आपने पढ़ा हुआ है, त्रिभुजों का सदिशों का त्रिभुज योग नियम,
उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वेक्टर आर जो है वो वेक्टर आर डैश और वेक्टर वीटी का रिजल्टेंट है। तो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डैश प्लस वेक्टर वीटी। एक बार डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा वी, या जो भी इसको बोल दीजिए वी या यू बोल दीजिए, चलिए यू, वेक्टर यू इज इक्वल टू वेक्टर यू डैश और यहां पर हो जाएगा प्लस में वी। एक और बार डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डैश और ये हो जाएगा जीरो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड भी यहां पर थी। तो ए इक्वल टू ए डैश का मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डैश का मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है पी, इस पार्टिकल के का जो एक्सेलरेशन है अगर हम इस फ्रेम से मेजर कर रहे हैं ए वेक्टर और इस वाले फ्रेम से हम इसका एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं ए डैश, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डैश मिलने का मतलब इस पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन चाहे आप इस वाले फ्रेम से मेजर करिए और चाहे आप इस वाले फ्रेम से मेजर करिए दोनों ही केस में सेम एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है। और अगर दोनों ही केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जैसा नेचर इस वाले फ्रेम का है वैसा ही नेचर इस वाले फ्रेम का है क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट मिल रहा है। और ये था आपका इनर्शियल फ्रेम, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि अगर कोई आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम है तो उस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला कोई भी दूसरा फ्रेम जो होगा वो भी नेचर में क्या होगा? इनर्शियल ही होगा। ठीक है, वो भी नेचर में इनर्शियल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग यहां से कुछ नए टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, वो तो आप पीछे भी पढ़ चुके थे। तो यहां पर देखिए सबसे पहला टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसमें रिलेशन बताने वाला जो इक्वेशन होता है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। मतलब कोई पार्टिकल यहां पर है, इसका हमने इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन लिखा, इसका हमने इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन लिखा, लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो हमने पोजीशन लिखा उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, उन दोनों पोजीशन वेक्टर को आपस में रिलेट करने वाले इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। की पार्टिकल का जो पोजीशन है वो अगर हमें इसमें पता है तो ट्रांसफॉर्म करके अगर हम इसमें पता करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई पार्टिकल ऐसा हो जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत ही ज्यादा कम हो तो ऐसे केस में, ठीक है ना, ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे केस में हम लोग यूज करेंगे, मतलब ये जो आपका फ्रेम है इसकी जो आपने स्पीड बोली वी, वो वी अगर सी से बहुत ही कम है तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ये वी की वैल्यू, इस फ्रेम की स्पीड बहुत ही कम है, लाइट से कम है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ध्यान दीजिएगा, इसको नॉन रिलेटिविस्टिक केस बोलते हैं और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ही यूज किया जाता है। मतलब जब आपका फ्रेम लाइट की रिस्पेक्ट में बहुत ही कम स्पीड से चल रहा हो तो फिर हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी डेली लाइफ में जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं उसमें ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल फिट बैठता है। तो यहां पर देखिए क्या क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। ये इक्वेशन आप पीछे भी देख चुके हैं कि वेक्टर आर जो है वो वेक्टर आर डैश और वेक्टर वीटी का रिजल्टेंट है, वो चीज हमने यहां पर लिखा। इसको अगर हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें, कंपोनेंट के फॉर्म का मतलब ये वेक्टर आर जो है ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर आर के अंदर एक्स है, वाई है और जेड है। मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर हमने पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारा ये जो फ्रेम है अगर हमने कंफर्म कर दिया कि ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है वी स्पीड से, अगर ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही मूव कर रहा है तो ऐसे में आप इस इक्वेशन को, पहले तो आप इसको अगर तीन पार्ट में पहले कन्वर्ट कर लीजिए फिर हम एक्स वाला केस भी देख लेंगे। तो इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों के लिए इसी तरीके का आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव करता तो आप यहां पर लिखते एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस में वी एक्स इंटू में टी। मतलब इस स्पीड का भी आपको, इस वेलोसिटी का भी आपको एक्स कंपोनेंट लिखना होगा अगर आप ये पोजीशन जो है वो एक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका मतलब कि आपको लिखना होगा यहाँ पर वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस में यहाँ पर वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो लिखना पड़ेगा। जेड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस में वी जेड इंटू में टी। और टाइम जो आप मेजर करेंगे इस पार्टिकल का, जिस भी पोजिशन, जिस भी पर्टिकुलर टाइम पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, सेम अगर टाइम पर आप मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइम आप मेजर करेंगे और यहाँ पर जो टाइम मेजर करेंगे इस इवेंट का वो बिल्कुल सेम आएगा, टी डैश इक्वल टू टी। मतलब यहाँ कोई भी घटना हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है और वो इवेंट एक ने यहां से देखा और एक ने यहां से देखा, दोनों के घड़ी में जो टाइम होगा वो बिल्कुल सेम होगा, टी डैश इक्वल टू टी का मतलब ये। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आपने बनाए इसका आपने ये ओपन कर लिया कंपोनेंट के फॉर्म में और टाइम के बारे में भी लिख लिया, ये जो इक्वेशन आपने बनाए इनको हम लोग बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और यहां पर एक्स, वाई और जेड तीनों कंपोनेंट की बात हो रही है, थ्री डायमेंशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है।
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये जो फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, एक वन डायमेंशनल पाथ पर चल रहा है, थ्री डायमेंशन में नहीं चल रहा है, तो ऐसे में ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट आपके हो जाएंगे जीरो। अगर आपका ये फ्रेम जो है वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो वी एक्स तो रहेगा, लेकिन वी वाई और वी जेड हो जाएगा जीरो, जिसकी वजह से ये जीरो होने पर आपको क्या मिलेगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स और टी, और वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वन डायमेंशन के केस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है, वन डायमेंशन के केस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये x डायरेक्शन के बजाय सिर्फ y डायरेक्शन में चल रहा होता, तो अगर सिर्फ y डायरेक्शन में चल रहा होता तो y माइनस में यहां पर हो जाता वी वाई और t, और यहां x डैश इक्वल टू हो जाता x और z डैश इक्वल टू हो जाता z। और इसी तरीके से अगर z डायरेक्शन में चलता तो z वाले केस में आप इसका वेरिएशन, इसका रिलेशन लिखते और बाकी x डैश इक्वल टू x और y डैश इक्वल टू y हो जाता, और ये केस हर सब में लागू होगा t डैश इक्वल टू t, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थ्री डायमेंशन में और वन डायमेंशन। यानी अगर आपको कभी भी इस वाले फ्रेम में पार्टिकल के से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पता है एस फ्रेम में, रुके हुए फ्रेम में, तो इस मूविंग फ्रेम में आप उसके कोऑर्डिनेट्स और टाइम वगैरह के लिए ये इक्वेशन, ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आपको ये चीज पता हो, ये चीज पता हो, तो आप ये चीज निकाल सकते हैं। तो एस फ्रेम में अगर इंफॉर्मेशन आपको पता है तो एस डैश फ्रेम में निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, इसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए कि आपको पार्टिकल के बारे में जो भी उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी कुछ पता है, एनर्जी, अगर वो चीज आपको पता है इसके केस में एस डैश फ्रेम में, तो अगर एस डैश में आप सॉरी एस फ्रेम में निकालना चाहते हैं, अगर आपको एस डैश फ्रेम में इंफॉर्मेशन पता है और आप एस फ्रेम में निकालना चाहते हैं, तो आपको ये इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, और इसको हम बोलते हैं इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है ना, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इसमें करना कुछ नहीं होगा, बस यही होगा जहां जहां ये डैश वाले आपको प्राइम वाले कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं वहां पर ये नॉर्मल वाले लिख देंगे एक्स वाई और जेड और टी, और जहां जहां आपको ये एक्स वाई जेड दिख रहा है वहां पर प्राइम वाले लिख देंगे, मतलब इन्हीं को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। एक चीज और बदलना पड़ेगा, जब आपको ये पता था, जब आपको एस फ्रेम में पता था और एस डैश फ्रेम में निकालना चाह रहे थे, तो उस केस में आपने यहां पर वी लिखा हुआ था, लेकिन जब आप इसका उल्टा करेंगे तो एक बात और ध्यान रखना होगा कि वी की जगह पर माइनस वी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसी इक्वेशन का अगर हमें गैलीलियन इनवर्स गैलीलियन इक्वेशन लिखना हो, इसी इक्वेशन का इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखना हो, तो जहां x डैश है वहां पर x हो जाएगा, जहां x है वहां x डैश हो जाएगा, और जहां पर v है वहां पर माइनस v हो जाएगा, तो माइनस ये और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। यानी इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू x डैश प्लस में v इनटू में t, ठीक है। बाकी इसमें क्या होगा, ये जो y डैश है वो y बन जाएगा, और जो y है वो y डैश बन जाएगा, जो z डैश है वो z बन जाएगा, और जो z है वो z डैश बन जाएगा, ये जो t डैश है वो t बन जाएगा, और जो t है वो t डैश बन जाएगा। तो ये बाकी के भी तीन इक्वेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो आपको दूसरे वाले फ्रेम, इस वाले फ्रेम में पता होता है पार्टिकल के बारे में और आप s डैश फ्रेम में निकालते हैं, तो वो नॉर्मल इक्वेशन होगा, और अगर इसका उल्टा हो गया तो वो इनवर्स इक्वेशन बोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है हमारा वो देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है लेंथ के केस में, वेलोसिटी के केस में, एक्सेलरेशन के केस में, तो क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं और कैसे हमें इसको बोलना है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं कि ये ट्रू है, फॉल्स है, इस तरीके से बना सकते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ, मतलब ये फ्रेम एस हो गया, ये फ्रेम एस डैश हो गया, यहां हमने कोई एक रॉड रख दिया, अब हमें इसका लेंथ मेजर करना है, एक बार इस वाले फ्रेम में, एक बार इस वाले फ्रेम में, और इन्हीं दोनों लेंथ में क्या रिलेशन होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो पीछे हमने पोजीशन के बारे में पढ़ लिया कि वेक्टर r इक्वल टू r डैश माइनस सॉरी r डैश इक्वल टू क्या था, एक सेकंड, ये आपका उल्टा हो गया x इक्वल टू x डैश माइनस में vt, यानी r डैश इक्वल टू r माइनस में vt, ये आपने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन के लिए गैलीलियन इक्वेशन को देख लिया। अब अगर हमें मान लीजिए कि पर्टिकुलर एक पॉइंट की बजाय एक पूरा रॉड दिया हो, यानी हमें अगर इन दोनों पॉइंट का पोजीशन निकाल करके इनका डिफरेंस निकालना हो, तो हमें इसका लेंथ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर एक सिंपल सा डेरिवेशन दिखा दें ताकि आप अप्रोच समझ जाएं कि ये जो रॉड है उसका ये वाला एंड है, इसको मान लीजिए ए, और इस वाले एंड को मान लीजिए बी, और आपने इस एस वाले फ्रेम के साथ इसको ऑब्जर्व किया या मेजर किया, तो आपने इस वाले पॉइंट ए का जो पोजीशन देखा वो था एक्स वन, और इस पॉइंट बी का जो पोजीशन मेजर किया आपने वो क्या हो गया एक्स टू। तो अगर फ्रेम S के रिस्पेक्ट में आप इस रॉड की लेंथ निकालना चाहेंगे, तो इन दोनों इंड का जो पोजीशन आपने निकाला हुआ है उसको आप माइनस करेंगे, इस X2 में से अगर आप X1 को माइनस कर देते हैं तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ द रॉड इन फ्रेम S, अगर इसको L से रिप्रेजेंट करें, तो ये होना चाहिए X2 माइनस X1 के बराबर।
सिमिलरली अगर आप इसी रॉड की लेंथ इस फ्रेम एस डैश में मेजर करना चाहते हैं तो आपको इस एस डैश फ्रेम से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिखा हुआ एक्स टू डैश और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिखा है एक्स वन डैश। और अगर आपको इसकी लेंथ अब निकालनी हो इस वाले फ्रेम में तो आपको एक्स टू डैश में से एक्स वन डैश को माइनस करना होगा तो इसकी लेंथ मिल जाएगी। मतलब जो काम आपने एस फ्रेम के लिए किया था वही काम आपको एस डैश फ्रेम के लिए भी करना होगा इस रॉड की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस केस में हमने लेंथ को बोल दिया एल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू डैश माइनस में एक्स वन डैश, ठीक है। और अब यहीं पर आप अप्लाई कर लीजिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर बात चल रही है तो एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस में वीटी, है ना। एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस में वीटी, तो जहां एक्स टू डैश है तो वहां पर आप लिखेंगे एक्स टू डैश इक्वल टू एक्स टू माइनस में वीटी। और इसी तरीके से आप लिखेंगे एक्स वन के लिए तो यहां पर एक्स वन डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स वन माइनस में वीटी। और दोनों आप x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से निकाल के इसमें जब आप रखेंगे और डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने के बाद बिल्कुल यही सेम चीज आपको मिलेगी। यानी आप चाहे फ्रेम s के रिस्पेक्ट में इस रॉड की लेंथ को मेजर करें और चाहे फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में इस रॉड की लेंथ को मेजर करें, दोनों ही लेंथ बिल्कुल सेम निकल के आएगा इस प्रोसेस से होकर के जब आप जाएंगे तब, ठीक है। तो इसके बाद आप इस बात को बोलेंगे कैसे, आप ये बोलेंगे कि द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट ही तो थे, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ द रॉड इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कि अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन हम डेवलप करें तो चाहे आप किसी भी इसमें से फ्रेम से मेजरमेंट करिए इस रॉड की जो लेंथ निकल के आएगी या इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो बिल्कुल सेम निकल के आएगा, यानी ये इनवेरिएंट हो गया, यानी जो लेंथ होती है वो इनवेरिएंट होती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बात हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम तब यूज कर रहे हैं जब इस फ्रेम की स्पीड v बहुत ही कम है तब। अगर फ्रेम की स्पीड v लाइट की स्पीड c के कंपेरेबल हो जाए या उसके इक्वल हो जाए, इक्वल तो पॉसिबल है नहीं वैसे, अगर ये जो v है वो c के आसपास की कुछ वैल्यू हो जाए तो ऐसे केस में ये बात सच नहीं होगी, ऐसे केस में दोनों फ्रेम में लेंथ अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना, वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर v इक्वल टू मच मच लेस देन सी है तो ऐसे केस में दोनों ही फ्रेम में लेंथ बिल्कुल सेम आएगा, यानी लेंथ इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन और लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन सेम है नहीं, दोनों सेम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जब वी बहुत ही कम होता है सी से तब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करते हैं, जब वी सी के रिस्पेक्ट में हो जाता है यानी जब हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता है। तो यानी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और रिलेटिविस्टिक केस में लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो ये पहला रिजल्ट आपने देख लिया, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। दूसरा पॉइंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर ये जो पार्टिकल यहां पर है, यहां पर ये जो पार्टिकल पी था, अगर हमें उसकी वेलोसिटी को मेजर करना हो इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में और इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में और उन दोनों को आपस में रिलेट करना हो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, तो वो रिलेशन जब हम लोग देखते हैं तो आपको पता ही है वेक्टर आर डैश इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वीटी पोजीशन वाला इक्वेशन। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपका जो dr डैश अपॉन dt होगा वो जाएगा u डैश और जो dr अपॉन dt होगा वो हो जाएगा u और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t हट जाएगा और यहां पर v मिल जाएगा। और आप चाहे तो इसको इधर से इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा u इज इक्वल टू u डैश प्लस में v। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए, इसको ध्यान समझिए, इसमें ये बात आप देख लिया आपने कि u क्या है u है इस फ्रेम s के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी। फ्रेम s के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने u बोला है, फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने u डैश बोला हुआ है, और जो v है वो है इस फ्रेम की इस फ्रेम s के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v। यानी कुल मिला के कहानी क्या है कि यहां पर एक रुका हुआ फ्रेम है और यहां पर एक फ्रेम ऐसा है जो जा रहा है v वेलोसिटी से ऐसे आगे, और अगर आप इस फ्रेम के अंदर खड़े हो जाएं तो आपको पता चल रहा है कि ये पार्टिकल आगे जा रहा है u डैश वेलोसिटी से। इस फ्रेम के अंदर जब आप खड़े हो जा रहे हैं तब आपको लग रहा है कि ये पार्टिकल u डैश वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ये फ्रेम खुद v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो अब आप जरा बताइए कि अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको यही तो दिखाई देगा ना, जैसे अगर ये पार्टिकल मान लीजिए इनके रिस्पेक्ट में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये जो है वो खुद जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, तो अब बताइए कि इनके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, इनके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनके रिस्पेक्ट में पहले तो फ्रेम की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो कुल मिलाकर के इनके यहां से अगर देखा जाए तो हर सेकंड में ये पार्टिकल 30 मीटर आगे जा रहा है, यानी इनके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर
पर सेकेंड, और वही बात लिखा हुआ है कि फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस खुद इस फ्रेम की वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है या वेलोसिटी का जो एडिशन है, ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब वी मच मच लेस देन सी होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये फ्रेम ये नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है तो वेलोसिटीज को ऐड करने का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपका ये फ्रेम बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगे तो फिर ये वाला वेलोसिटी को ऐड करने का ये जो रूल है वो फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। और उसके लिए हमारे पास रिलेटिविस्टिक केस में एक जो थ्योरम है उसी का नाम है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, या उसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, जो कि आपके इस पूरे टॉपिक में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। बहुत ही ज्यादा वो फेमस है, बहुत ही ज्यादा फोकस में रहता है, उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये तब काम करेगा जब v मच मच लेस देन c होगा। बाकी आप सारे सिंबल्स का मतलब समझ रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट इनवेरिएंट, आप देखिए यहां पर दोनों ही फ्रेम में आपने जो वेलोसिटी निकाली वो आपस में इक्वल नहीं है, जबकि लेंथ आपने दोनों फ्रेम में जो निकाला था वो इक्वल था। तो जब लेंथ इक्वल था तो आपने कहा कि लेंथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करेंगे तो किसी भी फ्रेम में वो इनवेरिएंट होगा अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये इनवेरिएंट नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये टर्म भी जुड़ रहा है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट इनवेरिएंट। इनवेरिएंट नहीं है मतलब अलग अलग है, वेरी कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 10 नहीं आ रही, 30 आ रही, 30 आ रही। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इनवेरिएंट, इनवेरिएंट नहीं है बल्कि वेरिएंट है। दोनों ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में अलग अलग वेलोसिटी बता रहा है, जबकि दोनों ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम लेंथ बता रहा था। तो ये लेंथ हो गया था इनवेरिएंट, बट वेलोसिटी हो जाएगी नॉट इनवेरिएंट यानी कि वेरिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन में वही फिर से वही सेम रिलेशन है, और शुरुआत में भी डिस्कस किया हमने कि r डैश इक्वल टू r माइनस vt अगर लिखा हुआ है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको ये वेलोसिटी वाला रिलेशन मिलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो जैसे लेंथ दोनों ही फ्रेम में सेम था, वैसे ही एक्सेलरेशन ही दोनों फ्रेम में सेम आ गया, और यही कंक्लूजन हमने पीछे निकाला भी था। इसका मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों जो फ्रेम हैं वो सेम नेचर के हैं, और पहला फ्रेम आपका इनर्शियल था, इसका मतलब दूसरा फ्रेम भी क्या हो जाएगा, इनर्शियल हो जाएगा। ये बात तो आपने शुरुआत में डिस्कस करी। बाकी आप चाहे तो इसको ये बात इनवेरिएंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों के फ्रेम में एक्सेलरेशन को अगर हम रिलेट करें तो वो बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है लेंथ की तरह। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और लेंथ दोनों इनवेरिएंट होते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएंट होती है। तो ये चीज भी आप याद कर सकते हैं, ये भी हो गया क्या, इनवेरिएंट। ठीक है, चलिए तो ये इसको देखकर आप गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये। तो ये हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया एक्सेलरेशन का। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दी हाइपोथेसिस ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस। तो गैलीलियन इनवेरिएंस का क्या मतलब होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल और न्यूटोनियन रिलेटिविटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल या न्यूटोनियन रिलेटिविटी मतलब कि अगर कोई पार्टिकल न्यूटोनियन या क्लासिकल का मतलब कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में बात होगा तो उस केस में जो हम लोग रिलेटिविटी की बात करते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल किसी के फ्रेम में किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में अलग वेलोसिटी है, दूसरे के फ्रेम में इनके रिलेटिव देखा जाए तो अलग वेलोसिटी है, तो ये जो क्लासिक जब वो भी कब, जब वी की वैल्यू सी से बहुत ही कम हो, तो ऐसे केस में किसी भी पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये टाइप की जो रिलेटिविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल और न्यूटोनियन रिलेटिविटी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, गैलीलियन इनवेरिएंस। और ये क्या बोलता है, गैलीलियन इनवेरिएंस का क्या मतलब हुआ, इस वर्ड को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, और यहां पर एक फूल पत्ती हमने बना दिया, ये एक्चुअली मैं इसको लिख रहा था तो ये जगह खाली जा रही थी तो अच्छा लग नहीं रहा था, तो मुझे लगा इसको भरने के लिए कुछ करना चाहिए, तो मेरे अंदर का जो सस्ता सा कलाकार है वो जाग गया था, तो मैंने एक पत्ती और एक उसमें छोटा सा जो है फूल बना दिया है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो गैलीलियन इनवेरिएंस है उसको हम लोग, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी अगर कोई आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम ये है, एक इनर्शियल फ्रेम ये है, और कोई भी लॉज को आप डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आप इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस लॉ को डिस्कस करिए या अप्लाई करिए, या आप इस वाले मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस लॉ को अप्लाई करिए उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, तो दोनों ही केस में अगर ये आपके इनर्शियल फ्रेम हैं
तो जो भी लॉ आप अप्लाई करेंगे उस पार्टिकल के ऊपर, वो सब जो लॉज होंगे फिजिक्स के, वो इसमें और इसमें बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई होंगे। जैसे कहने का मतलब कि अगर आप इस पार्टिकल के ऊपर न्यूटन के लॉ को अप्लाई करते हैं, तो अगर ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम दोनों इनर्शियल फ्रेम है, तो दोनों ही फ्रेम में जो न्यूटन के लॉज होंगे वो बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई होंगे। यही मतलब होता है गैलीलियन इनवेरियंस का, मतलब फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम में इनवेरियंट होते हैं। फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम में इनवेरियंट होते हैं। मतलब कितने भी टाइप के आप अलग अलग इनर्शियल फ्रेम्स ले लीजिए, लेकिन कोई भी फंडामेंटल लॉ आप इस पार्टिकल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फंडामेंटल लॉ इस फ्रेम में, इस फ्रेम में, इस फ्रेम में, इस फ्रेम में सेम तरीके से अप्लाई होगा, सेम रिजल्ट आपको वो देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस, या इसको हम नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, इसको हम क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोल सकते हैं कि सभी इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का भी यही एक पोस्टुलेट है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो दो पोस्टुलेट हैं उसमें से तो एक यही था ना कि सभी के सभी जो फंडामेंटल लॉज होते हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। मतलब सभी के सभी इनर्शियल फ्रेम किसी भी फिजिक्स के लॉज के लिए आइडेंटिकल होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि फिजिक्स के लॉज को इस फ्रेम में अप्लाई करें तो अलग आएगा और इसमें अप्लाई करें तो अलग आएगा। नहीं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं किसी भी फंडामेंटल लॉज के लिए। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का यही एक पोस्टुलेट है। और एक दूसरा पोस्टुलेट आएगा जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा तब, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस बात को याद रखें कि जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला या दूसरा पोस्टुलेट है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गैलीलियन इनवेरियंस, या इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी। तो हमने देखिए न्यूटन के लॉज को अप्लाई किया इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के ऊपर। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डैश, तो अगर मास पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें और मास को कांस्टेंट मानते हुए, ये बात ध्यान रखना है, अगर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डैश है और पार्टिकल के मास को कांस्टेंट मानते हुए, कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम बात अभी ये वाली कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में पार्टिकल का जो मास होता है वो वेरी नहीं होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट होता है। तो ये m into a equal to m into a dash हो जाएगा, तो ये हो गया फोर्स, न्यूटन का जो ये सेकंड लॉ है, ये हो गया फोर्स आपका इस फ्रेम में और ये फोर्स हो गया आपका इस वाले फ्रेम में। तो आप देखिए सेम जो पार्टिकल था उसमें सेम ही फोर्स निकल के आ रहा है, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दोनों के दोनों इनर्शियल है। बिल्कुल सेम तरीके से आप बाकी के भी दो देख लीजिए। जैसे आप अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आप अप्लाई करते हैं, यहां पर आपका ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, एक और पार्टिकल है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, दोनों आपस में ऐसे मान लीजिए टकरा रहे हैं। तो जब ये टकरा रहे हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो यही बोलता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उनका टोटल लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर ये दोनों पार्टिकल आपस में ऐसे आकर टकरा जाए, तो ऐसे केस में आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करने जा रहे हैं, पहली बार हम इसको अप्लाई करेंगे इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फिर हम देखेंगे कि उसी को सिंप्लीफाई करने पर, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, क्योंकि एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट को दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट में हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से वेरी कर सकते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अप्लाई करके जो हमने फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो भी इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए, अगर हम इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करें, और जो हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि वेक्टर यू इज इक्वल टू वेक्टर यू डैश प्लस में वी, अगर हम ये चीज अप्लाई करें और यहां पर फिर ये तो पहले पार्टिकल के लिए था, तो यहां पर ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर इसी तरीके से दूसरे वाले पार्टिकल के लिए भी कुछ होगा, वेक्टर यू डैश प्लस में ये वी हो जाएगा, इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी के लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, इन सभी वेलोसिटी के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे और इस वाले साइड को सॉल्व करेंगे और इस वाले साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और आप ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है m1 u1 dash plus m2 u2 dash is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash, और यहाँ क्या था m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। तो फ्रेम s के रिस्पेक्ट में जो कंजर्वेशन का इक्वेशन था वो ये था एंगुलर लीनियर मोमेंटम का, जब फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को पहले वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को u1 डैश बोलेंगे, दूसरे वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को u2 डैश बोलेंगे, और कोलिजन के बाद पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को v1 डैश बोलेंगे और दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को v2 डैश बोलेंगे। तो ये बिल्कुल वही सेम इक्वेशन जैसा फ्रेम s में आपको दिख रहा था, बिल्कुल वही सेम चीज आपको फ्रेम s डैश में भी मिल जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो एक फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का। तो जो फंडामेंटल लॉज होते हैं फिजिक्स के वो सभी के सभी इनर्शियल फ्रेम में
बिल्कुल सेम तरीके से लागू होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि सभी के सभी इनर्शियल फ्रेम किसी भी फिजिक्स के लॉज के लिए आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। और इसी तरीके से एनर्जी का भी कंजर्वेशन है, यानी अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर, आप कोलिजन से पहले इनका जो एनर्जी है इन पार्टिकल्स का इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए, जैसे कहने का मतलब ऐसा आएगा 1/2 m1 u1 square + 1/2 m2 u2 square = कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा 1/2 m1 v1 square + 1/2 m2 v2 square। ये सब किसके लिए हमने लिखा, फ्रेम एस के लिए, है ना, क्योंकि u1 u2 v1 v2 लिखा हुआ है। और अब इसी में आप अप्लाई करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो यही कन्वर्ट होकर के बन जाएगा m1 u1 square m2 u2 square m1 v1 square, भी है, और m2 v2 square। तो बिल्कुल वही सेम इक्वेशन आपको फ्रेम एस वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस बात का यही मतलब है कि जो फिजिक्स के जितने फंडामेंटल लॉज होते हैं वो सभी के सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम तरीके से लागू होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस या प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक बहुत ही सीरियस मैटर है, और ये मैटर अगर बहुत ही रिड्यूस करके डिस्कस किया जाए तो 1.5 घंटे से 2 घंटे लगता है। और मैंने आपको बता दिया बीएससी थर्ड ईयर वाली पेड बैच के अंदर रिलेटिविटी नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल सेपरेट लेक्चर है 1.5 घंटे का, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। यहां हम उन सारी बातों को समराइज करेंगे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए क्या जरूरी है और आपको क्या क्या चीजों पर बस ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा रिलेटिविटी पढ़ने में जो 11 घंटे लगता है उसको समअप करके 2 घंटे में ले आए हैं। और पूरा जो आपका सिलेबस है जिसको पढ़ाने में अगर मेरे हिसाब से देखा जाए बहुत आराम से अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए तो 6 से 7 महीने 5 से 6 महीने कम से कम लग जाता, लेकिन उसको 2 महीने का टारगेट रख करके चीजों को समअप करना है। तो मैं सीधे सीधे टू दी पॉइंट सारी बातों को इधर उधर न घुमाते हुए सिर्फ वही बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर आते हैं ईथर हाइपोथेसिस और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हुआ क्या कि इस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से पहले सिर्फ और सिर्फ लोगों को साउंड वेव के बारे में पता था, है ना, और साउंड वेव का जो नेचर है वो साउंड वेव का नेचर होता है मैकेनिकल नेचर का, मतलब कि बस लोगों को ये पता था कि हाँ कोई भी वेव हो उसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में जो लाइट नाम का एक वेव है, अब लोगों को नहीं पता है कि ये इसका नेचर ऐसा है कि बिना मीडियम के भी चलेगा, ये नहीं पता था, बस ये पता था कि कोई भी वेव हो तो उसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और सन से जो लाइट चल रही है अर्थ के ऊपर आ रही है इसका मतलब बीच में यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम है, जबकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर एयर नहीं होता, एटमोस्फियर नहीं होता। तो लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक बात इमेजिन करी कि यहां पर कोई एक इमेजिनरी मीडियम जरूर है, और उसी इमेजिनरी मीडियम के थ्रू होते हुए सन से लाइट अर्थ तक पहुंचती है, लाइट इज अ वेव, है ना, तो जो भी वेव होती है उसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल साउंड हो गया, और लाइट भी एक वेव है तो उसको भी चलने के लिए मीडियम चाहिए, और सन से अर्थ तक लाइट किसी न किसी मीडियम के हेल्प से जरूर आ रही होगी, अर्थ के आसपास तो एटमॉस्फेयर है लेकिन यहां पर एटमॉस्फेयर तो नहीं है, तो कौन सा मीडियम यहां पर होगा जिसकी हेल्प से वो यहां से यहां पहुंचेगी। तो लोगों ने इसके लिए अज्यूम कर लिया यहां पर एक यूनिवर्सल मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है जो कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन वो है, और उसका नाम क्या रखा इन्होंने, ईथर, है ना। तो ये जो आपका ईथर नाम का मीडियम है वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, ऐसा सच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, और उस टाइम तो ये बात फिलहाल नहीं पता थी, बाद में अभी ये प्रूव हो जाएगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, और फिर बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती, जरूरी तो नहीं कि हर वो जिसका नाम वेव हो और तो उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। अब आप बताइए गुलाब जामुन में ना तो गुलाब होता है ना ही जामुन होता है, फिर भी उसका नाम गुलाब जामुन तो है ना। इसी तरह से एक कहावत आपने सुनी होगी कि आंख के अंधे और नाम नयन सुख होते हैं, तो अगर नाम उसका नयन सुख है लेकिन वो तो आंख का अंधा है, वो तो कुछ देख ही नहीं पा रहा है, तो अगर कोई वेव है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और ऐसी वेव को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो बिना मीडियम के यहां से यहां तक आ रही थी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो एजम्पशन था ईथर नाम के हाइपोथेटिकल या यूनिवर्सल मीडियम की, उस ईथर नाम के मीडियम के बारे में यहां पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, वही हमें थोड़ा सा समझना है कि इट वाज अज्यूम्ड दैट ईथर इज एट रेस्ट, ये माना जाता था कि ये मीडियम रेस्ट में है, एंड हेवीली बॉडीज लाइक अर्थ मूव्स थ्रू इट विदाउट डिस्टर्बिंग इट, बड़ी बड़ी जो बॉडीज हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो इस मीडियम में से ईथर में से ट्रेवल करती हैं, लेकिन ईथर की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए ये सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट उसके अंदर से मूव करते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं कि इट इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर एग्जिस्ट एवरीवेयर इवन इन वैक्यूम, जहां वैक्यूम है वहां पर भी ये एग्जिस्ट करता है, रेस्ट में रहता है, किसी भी दूसरी बॉडी के चलने से इसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, और लाइट की स्पीड पता चल चुकी थी उस टाइम कि लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। यहां इस वैक्यूम में लाइट की स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह पता चल गया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर लाइट की स्पीड हमें पता है वैक्यूम में, तो और चूंकि वैक्यूम में भी ईथर नाम का मीडियम प्रेजेंट है, तो अगर हम लोग ये बात पता कर लें, अगर हम लोग यानी कहने का मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट की स्पीड है वो ईथर के रिस्पेक्ट में मेजर की गई होगी, ईथर जो कि एकदम रेस्ट में है, एब्सोल्यूट रेस्ट में है, उसी के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड मेजर की गई होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान समझिएगा, यहां पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मामला ये है कि अगर ये ईथर जो कि रेस्ट में है, आप मान लीजिए ईथर फ्रेम में आप हैं, तो अगर आप रेस्ट में हैं तो आपके रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड आपने कहा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी जो मूव कर रहा हो उसके हिसाब से तो लाइट की जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो तो अलग आएगी, क्योंकि ईथर एब्सोल्यूट रेस्ट मीडियम है और इस रेस्ट के रिस्पेक्ट में आपने बोला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई मूविंग बॉडी होगी तो उसकी वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी अगर मेजर करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मेजर करेंगे, तो फिर अलग आएगा ना। आपने पीछे अभी अभी देखा कि आपने कहा कि यू इज इक्वल टू यू डैश प्लस में वी है ना, तो आपने आप अगर इस मूविंग फ्रेम ये आप कर लीजिए यानी ये यू डैश बोल लीजिए, तो आपका यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस में वी, यानी आपका ये जो मूविंग फ्रेम है अगर आप उस मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, या तो हाँ इसी की बात कर लें, अगर मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको मेजर करनी होती तो यहां पर हम लोग रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर ये एब्सोल्यूट रेस्ट में था तब आपने बोला कि 3 × 10⁸, लेकिन अगर कोई मूव कर रहा हो, मान लीजिए 3 × 10⁸ है, उसी डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा होगा तो आपको पता ही है वी ए बी इक्वल टू होता है वी ए माइनस में वी बी है ना, और वी बी ए निकालना होता है तो आप बोलते हैं वी बी माइनस में वी ए। ये बात कब होती है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तब, जैसे आप 30 मीटर पर सेकेंड से चलें, या तो एग्जांपल लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये पूरा डिस्कशन वहीं पर क्लोज हो जाएगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म हो गया और यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट है ये ऐसे जा रहा है, यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट और ले लीजिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, तो अगर आप इसकी स्पीड को बोल रहे हैं कि यह 3 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, किसके रिस्पेक्ट में, यहां प्लेटफॉर्म पर जो आदमी रुका हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, और आपने इसकी स्पीड को बोला कितना 5 मीटर पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में, ये जो एब्सोल्यूट रेस्ट आप मान के चलिए कि ये रुका हुआ है बाकी सब कुछ चल रहा है, और ये जो है इसका मान लीजिए आप कितना, ये आप मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए, अगर एब्सोल्यूट रेस्ट वाले किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपने किसी की वेलोसिटी को मेजर किया है 3 मीटर पर सेकेंड, तो कोई दूसरा पर्सन जो मूव कर रहा है जिसकी खुद अपनी वेलोसिटी है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप इसकी वेलोसिटी को मेजर करेंगे तो 3 से अलग आएगा, इसके रिस्पेक्ट में भी मेजर करेंगे तो 3 से अलग आएगा, क्योंकि 3 आपने एब्सोल्यूट रेस्ट वाले के साथ में मेजर किया, तो एब्सोल्यूट रेस्ट वाले के साथ में अगर 3 आ रहा है तो किसी भी मूविंग पर्सन के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 3 से अलग आएगी। अब डिपेंड करेगा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट में है या कोई एंगल बना रहे हैं, वो अलग बात हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए दोनों सेम में जाते हैं तो डिफरेंस करने से आता है ना, ये 5 से जा रहा है ये 3 से जा रहा है, तो इसका मतलब इसको लगेगा कि हर सेकंड ये हमसे 2 मीटर पीछे रह जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -2 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या कहेगा, ये देखिए 10 से इधर जा रहा है ये 3 से इधर जा रहा है, ये आदमी हर सेकंड बोलेगा कि ये हमसे, ये खुद जबकि 10 से जा रहा है लेकिन ये अपने आप को रेस्ट मानता है, तो ये बोलेगा कि ये आदमी हमसे लगातार हर सेकंड 13 मीटर पीछे जा रहा है, जबकि 10 खुद ये चला था और 3 ये चला था, तो इनके बीच का गैप हो जाएगा 13 मीटर हर सेकंड में, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड हो जाएगी 13 मीटर पर सेकंड। तो मामला यही है कि लाइट की स्पीड ईथर के रिस्पेक्ट में हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो मूविंग नेचर का है, और अर्थ अगर मूविंग नेचर का है तो हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारा जो अर्थ है वो ईथर के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से चल रहा है। अगर हम ईथर के रिस्पेक्ट में अपनी स्पीड, अर्थ की स्पीड पता कर लें, तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में या किसी भी दूसरे जिसकी भी बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम लाइट की स्पीड भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मामला यही था कि हमें ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड पता करनी थी ताकि फिर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड को पता कर सकें। इसके लिए माइकलसन और मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। वही बात यहां लिखी हुई है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर सो दैट द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर मोशन ऑन द स्पीड ऑफ लाइट कुड बी नोन। मतलब अर्थ पर जो ऑब्जर्वर चल रहा है फिर हम उसका इफेक्ट वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें अर्थ की स्पीड पता चल जाए पहले ईथर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस बात के लिए आप ये सवाल एक बनता है कि माइकलसन मोरले जो एक्सपेरिमेंट होता है वो किस पर्पस से उसको परफॉर्म किया गया था, बाकी रिजल्ट मिला कि नहीं मिला वो अलग बात है, तो किस पर्पस से वो परफॉर्म किया गया था एक्सपेरिमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका मेन पर्पस ये नहीं था कि पता करें कि ईथर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है,
ये लोग मान के बैठे थे कि ईथर एग्जिस्ट करता है, उसके एग्जिस्टेंस पर कोई सवाल नहीं था, सवाल ये था कि उस ईथर यानी कि एब्सोल्यूट जो रेस्ट वाला फ्रेम है उस ईथर के रिस्पेक्ट में अगर हम अर्थ की स्पीड पता कर लें तो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्वर होगा फिर हम उसका भी इफेक्ट पता कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट पर, ठीक है ना। तो मामला ये था कि हमें ये चीज पता करना था कि अर्थ की स्पीड कितनी है ईथर के रिस्पेक्ट में, ईथर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये सवाल नहीं था, लेकिन हो जाएगा थोड़ा गड़बड़। और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, ये उनका पूरा अरेंजमेंट है, आप इनको शॉर्ट में देख लीजिए, है ना, ये इसका पूरा सिस्टमेटिक तरीके समझने में 2 घंटे लगेगा। ये पूरा इनका सेटअप है, यहां पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया गया, ये ग्लास प्लेट है, कैसा है, पार्शियली सिल्वर्ड है, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कोटिंग करी गई है ताकि कुछ लाइट इसमें से इधर निकल जाए लेकिन कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाए, पार्शियली सिल्वर्ड है। और फिर इसमें क्या किया गया कि ये लाइट इधर से जाके टकरा के वापस आएगी इधर जाएगी, ये लाइट इधर से जाएगी टकरा के इधर जाएगी वापस आएगी, इधर जाने वाली लाइट टकरा के वापस आने वाली लाइट और इधर जाने वाली लाइट और टकरा के वापस आने वाली लाइट, ईथर के रिस्पेक्ट में इनकी जो स्पीड थी वो अलग अलग थी, इस वजह से इन दोनों ने जो पाथ ट्रेवल किया है यहां से यहां जाकर के और यहां से यहां जाकर के, दोनों का पाथ अलग अलग आएगा। ऐसे आप देखें तो ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, इस हिसाब से तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन दोनों का पाथ अलग अलग है क्योंकि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है ईथर के रिस्पेक्ट में वो अलग अलग स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो अलग अलग अगर स्पीड से जाएगी तो दोनों ने जो पाथ ट्रेवल किया होगा, एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया होगा वो ऑप्टिकल पाथ जो ट्रेवल किया होगा वो अलग अलग दोनों का आएगा, और यहां से हम निकालेंगे इनका पाथ डिफरेंस। तो दोनों ये टकरा के वापस आएंगे, टकरा के वापस आएंगे, इन दोनों का पाथ डिफरेंस हमें पता रहेगा। तो ये जो दोनों इधर आके इंटरफियर करेंगे, तो इंटरफियर करेंगे तो इनका जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें यहां पर दिखाई देगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर बोलते हैं इसको। तो इनका जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कहीं कहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और कहां पर डार्क बन रहा है, कहां ब्राइट बन रहा है कहां पर डार्क बन रहा है। इंटरफेरेंस चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्राइट और डार्क का अगर हमें पोजीशन पता करना होता है उसके लिए हमें जो दोनों वेव जिसके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है उनका हमें पाथ डिफरेंस पता करना होता है, फेज डिफरेंस पता करना होता है। तो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस हम इन दोनों का पता करेंगे ताकि हमें ये पता चल पाए कहां पर ब्राइट बनेगा कहां पर डार्क बनेगा, कहां पर ब्राइट बनेगा कहां पर डार्क बनेगा, ठीक है। ये पहली बार एक बार ये काम किया गया, फिर दूसरी बार इस पूरे सेटअप को 90 डिग्री से रोटेट करके फिर से यही काम किया गया, और 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद जो इनका पाथ डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस पहली बार जो पाथ डिफरेंस आया था उससे अलग आएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद जो पाथ डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस पहले केस में जो पाथ डिफरेंस आया था उससे अलग आएगा, और इससे फिर क्या होगा, इससे आप कहेंगे कि इस बार अगर पाथ डिफरेंस अलग आया है तो जो ब्राइट और डार्क जहां जहां पहले बने थे, जब रोटेट हमने नहीं किया था तब जो ब्राइट और डार्क जहां जहां पहले बने थे वो अब वहां से नहीं बनना, वहां पर नहीं बनना चाहिए, उससे अलग पोजिशन पर बनना चाहिए, क्योंकि इन दोनों वेव के इंटरफेरिंग वेव के बीच का पाथ डिफरेंस अब वो नहीं है जो पहले था, है ना। पहले इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अलग था, 90 डिग्री से रोटेट करने पर पाथ डिफरेंस अलग हो गया, तो इसका मतलब दोनों ही केस में बनने वाले ब्राइट और डार्क अलग अलग पोजीशंस पर होंगे। यानी जो ब्राइट मान लीजिए कभी पहले वाले केस में यहां पहला वाला ब्राइट अगर बनता था तो दूसरे वाले केस में हो सकता है कि वो अब वो यहां तो नहीं बनेगा क्योंकि एग्जैक्ट पाथ डिफरेंस है नहीं, तो ऐसे केस में वो अब आपका ब्राइट हो सकता है इधर बने या फिर इधर बने, मतलब आपका ये फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड पता करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहे थे उसमें उसमें ईथर की को इन्होंने रेस्ट में अज्यूम किया था और उसके बेसिस पर जो भी ये पूरा कर रहे थे उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद इनके फ्रिंजेज में कुछ शिफ्ट आना चाहिए, यहां पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था उनके फ्रिंजेज में कुछ शिफ्ट आना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। तो जो चीज हमने किया वो यहां पर लिखा हुआ है, और एक्सपेक्टेड फ्रिंज डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकल के आया था 2LV² / λc², ठीक है, n = 2LV² / λc² और उसके बाद सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ m/s विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, और लैम्डा जो यहाँ पर यूज किया गया था जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करी गई थी उसका वेवलेंथ था 5800 एंगस्ट्रॉम। यानी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो पूरा प्रोसेस किया गया उसमें लोग ये एक्सपेक्ट लोग मतलब माइकलसन और मोरले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम इनको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इस पूरे दौरान फ्रिंज जो होगा उस फ्रिंज में इतना शिफ्ट आएगा, सारी वैल्यूज को रखने के बाद आया 0.5, मतलब एक जो ब्राइट था वो दूसरे वाले ब्राइट की जगह जाने पर लगभग बीच में पड़ेगा, 0.5 का मतलब लगभग आधा, मतलब एक फ्रिंज का शिफ्ट ना होकर के लगभग 0.5 फ्रिंज का मतलब आधे फ्रिंज का शिफ्टिंग आपको मिलना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेशन थी इस पूरे एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। लेकिन
रियलिटी में जब देखा गया तो कोई भी फ्रिंज शिफ्ट देखने को नहीं मिला। एक्सपेक्टेशन ये थी कि इतना फ्रिंज का शिफ्ट होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में देखा गया कि एक भी फ्रिंज शिफ्ट यहां पर आपको नहीं मिला, जबकि ये इंस्ट्रूमेंट इतना कैपेबल था कि ये जीरो आप सोचेंगे कैपेबल ही नहीं रहा होगा ये मेजर करने के, ये इंस्ट्रूमेंट इतना कैपेबल ही नहीं था कि इसको मेजर कर पाए, लेकिन आप गलत हैं क्योंकि ये 0.01 इतना फ्रिंज शिफ्ट को भी ये मेजर कर सकता था, इतना कैपेबल था। तो 0.4 वाले को ये मेजर बिल्कुल आराम से कर लेता, लेकिन कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो निगेटिव रिजल्ट था या नल रिजल्ट था, मतलब जीरो रिजल्ट मिला है ना। करने गए थे क्या कि अर्थ के ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेशन करने के दौरान ये बात पता चला कि जो वो चीज करने के लिए जो चीज निकलनी चाहिए थी वो चीज निकली ही नहीं है ना, यानी कि इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, चलिए, नहीं वेलोसिटी वेरिएंट है ना, हमने भी तो कहा पीछे वेलोसिटी वेरिएंट है, वेलोसिटी वेरिएंट है, लेंथ और एक्सेलरेशन इन वेरिएंट है, पोजीशन भी वेरिएंट है, तो वेलोसिटी और पोजीशन वेरिएंट है, लेकिन वेलोसिटी और पोजीशन फंडामेंटल लॉज नहीं है फिजिक्स के, ये क्वांटिटीज हैं है ना। और जो आपका गैलीलियन हाइपोथेसिस है वो ये बोलता है कि फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल या सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, सभी इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज जो होंगे वो सेम होंगे, वो इनवेरिएंट होंगे, लेकिन आपकी वेलोसिटी और पोजीशन और लेंथ और ये जो भी कुछ है ये लोग लॉज थोड़ी है, ये तो क्वांटिटीज है ना, तो क्वांटिटीज का तो चलता रहता है, कभी इनवेरिएंट होती है कभी वेरिएंट होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको बता दें, आपके प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया है और हमने देखा हुआ कई सारे एग्जाम में, बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था और एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया तो इससे क्या ही लेना है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा है पूछा गया है, और आपके भी पीजीटी के एग्जाम में एक सवाल इसके ऊपर पूछा गया है, तो आप इस वाले फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए कि फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू 2lv² / λc², लैम्डा की वैल्यू और एल की वैल्यू आपको सवाल में दी जाएगी, वी की वैल्यू भी दी जाती है आपके यहाँ दिया है, कई बार नहीं भी दिया रहता है, तो अर्थ की स्पीड आपको पता है 3×10⁴ m/s या 30 km/s, ठीक है, तो अर्थ की स्पीड तो आपको पता रहेगी, लेकिन ये जो एल होगी मिरर और प्लेट के बीच की डिस्टेंस, और लैम्डा जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करेंगे उसका वेवलेंथ आपको सवाल में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसको पढ़ने का क्या मतलब है, फिर इसको पढ़ने का, इसको करने का बहुत बड़ा मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट जो अपना काम जो इसको करना था वो तो नहीं करा इसने, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी चीज के लिए रास्ता खोल दिया जो हम लोगों को आगे देखना है कि आइंस्टीन की जो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका रास्ता जो है वही यहीं से होकर के गुजरता है, उसका रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। इन्होंने तो ये सोचा था कि ईथर नाम की चीज होती है और उससे हम उसके रिस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड निकालेंगे, इनका तो रिजल्ट नहीं आया, ये तो पता नहीं कितने दुखी हो गए, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा सवाल बन गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है ना, और आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अपना अपना तरीका दिया, लेकिन ये रिजल्ट नल क्यों आया, ये एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ अपने टारगेट में, इस चीज को एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, और उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो इन्होंने पोस्टुलेट दिए यही हो गया आपकी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक दूसरा पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट तो वही था गैलीलियन इनवेरियंस वाला, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वाला, और दूसरा जो पोस्टुलेट था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का वो यही था जो आइंस्टीन ने इस समस्या को समझाने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ उसका कारण जो बताया, वो कारण ही स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा पोस्टुलेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट को पढ़ने या पढ़ाने या इसका हर चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए नल रिजल्ट के बारे में, तो ये मेजर कर सकता था इतना, लेकिन इसने कुछ भी मेजर नहीं किया, और इसने कुछ भी मेजर नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द अर्थ एंड ईथर इज जीरो। भाई अगर हम अर्थ और ईथर की वेलोसिटी, अर्थ तो ईथर तो रेस्ट में था और अर्थ मूव कर रहा था, तो इस हिसाब से अर्थ की ईथर के रिस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी आनी चाहिए, लेकिन कुछ उसमें रिजल्ट तो मिला नहीं, वहां पर फ्रिंज में शिफ्ट तो हुआ नहीं, इसका मतलब जो हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि जो ईथर है वो रेस्ट में है और जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, ये जो हमारा एजम्पशन था उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, इसका ये मतलब निकला कि रिलेटिव वेलोसिटी जो निकलेगा अर्थ का विद रिस्पेक्ट टू ईथर वो आएगा क्या जीरो, लेकिन ये जीरो जो आ रहा है इसका भी अभी तक मामला पता नहीं है कि ये जीरो क्यों आ रहा है, इसका मतलब कि क्या ईथर अर्थ के साथ सेम स्पीड से मूव कर रहा है ना, ये बात भी हो सकती है। तो इन सारी बातों को, इन सारी समस्याओं को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन किसी का भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। फाइनली इसको किसने एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया, और क्या बोल के एक्सप्लेन किया कि लाइट की स्पीड फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है, लाइट की स्पीड फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है, आप चाहे अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें, आप किसी रेस्ट वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करें, आप किसी और फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करें जो चल रहा हो, बहुत तेज चल रहा हो, धीमे चल रहा हो,
किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड हमेशा सी होती है, वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती, ना तो सोर्स पर, ना तो ऑब्जर्वर पर, और ना ही मीडियम पर, ठीक है ना। और ईथर नाम का मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, ये चीज भी इन्होंने इस अपने पूरे कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया कि ईथर नाम की चीज होती नहीं है। जो लाइट की स्पीड सी निकली थी और आप बोल रहे थे कि एब्सोल्यूट मीडियम ईथर के रिस्पेक्ट में मेजर करी गई है वो लाइट की स्पीड, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे आपको सी ही मिलेगा। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी सी होगा, और कोई अगर आप स्टेशनरी कुछ भी इमेजिन करिए या ना करिए उसके रिस्पेक्ट में भी सी होगा। तो जो आप ईथर जैसी चीज को एज्यूम किया था वो गलत था, ये इन्होंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, और इन्होंने अपना एक ये प्रिंसिपल दिया है ना, ये पोस्टुलेट दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नल रिजल्ट तो था इसका, लेकिन इसकी वजह से ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत ही जो मेन पोस्टुलेट था वो आपको मिल गया। और अब ये पोस्टुलेट क्या था ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग आ गए हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, ठीक है। चलिए, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहला पोस्टुलेट है वही जो आपका पीछे था, गैलीलियन इनवेरियंस वाला, वही देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फिजिकल लॉज, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फिजिकल लॉज, आप ये स्टेटमेंट दिमाग में रखिएगा। बाकी इसका मीनिंग वही है कि लॉज ऑफ फिजिकल फिनोमेना, यानी जो फिजिक्स के लॉज होते हैं फंडामेंटल, आर सेम इन ऑल रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। अब कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएंगे। तो यही बात है जो पीछे आपने पढ़ी थी, वही सेम कहानी है कि सभी के सभी इनर्शियल फ्रेम आइडेंटिकल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं फिजिक्स के लॉज के लिए, फंडामेंटल लॉज के लिए, ठीक है। ये पहला इनका पॉसिबिलिटी हो गया। और दूसरा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए जो इन्होंने दिया था कि लाइट की स्पीड किस तरीके से डिपेंड करती है, मेजर की जाएगी, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट ही होती है, और उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस में, बाकी किसी मीडियम में जाने पर आपको पता है कि वो अलग होता है, फ्री स्पेस में लाइट की जो स्पीड होती है वो सेम होती है फॉर ऑल ऑब्जर्वर एंड इज इनडिपेंडेंट ऑफ इनर्शियल सिस्टम सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है ना। सोर्स पर, ऑब्जर्वर पर, या किसी भी फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम आपका होगा उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, उसकी स्पीड हमेशा सी के इक्वल आएगी और फिक्स होगी, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फिजिकल लॉज, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आप याद रखिए, ये दोनों हैं आपके पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, क्लियर। तो अगर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ना हुआ होता तो ये चीज ना निकल के आती, और फिर ये पूरी कहानी जो इसके ऊपर और आगे काम होंगे वो सब भी आपको ना मिलता, ठीक है। तो वो भले ही अपने काम में फेल हो गया, लेकिन उसने बहुत सारे और नए नए काम बना दिए और बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन गई उससे, ठीक ठीक है। चलिए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? आज थोड़ी सी स्पीड को ज्यादा रखना पड़ रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा, मतलब आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके मैं पीजीटी के लिए बोलूंगा। और आपके एग्जाम में 5 से 6 सवाल रिलेटिविटी से पूछे गए, जिनको हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो इस टॉपिक को आपको ना पूरे एकदम एनर्जी से, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। एक बार को आप चाहे तो इनर्शिया टेंसर भूल जाइएगा, लेकिन आप इसको इग्नोर करेंगे तो बहुत ही नुकसान में पड़ सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 सवाल, और वो भी छोटे छोटे सवाल, और 5 से 6 सवालों को करने में उससे कम टाइम लगेगा जितना इनर्शिया टेंसर के किसी एक सवाल को करने में, है ना। इनर्शिया टेंसर के किसी एक सवाल को करने में जो टाइम लगेगा उतने टाइम में, उससे कम टाइम में इसके अगर 5 से 6 सवाल आ गए एग्जाम में तो वो 5 से 6 सवाल हो गए, और एक सवाल की कीमत जो है सेमी है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो आपको ये टॉपिक को बड़ा मतलब अच्छे से पकड़ के रखना है इसको, किसी भी तरह से इसमें कोई कमजोरी ना हो। चलिए, नेक्स्ट इज द लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अब हम लोग आ गए हैं ऐसी जगह पर जहां पर भी इज इक्विवेलेंट टू सी, मतलब जो फ्रेम है उसकी स्पीड, या जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट हो जाए, तो ऐसे केस में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट काम करता है, ऐसे केस में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है। और फिर हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स को आपस में, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपस में रिलेट करने वाला इक्वेशन बनाएंगे, उसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं बोलेंगे। वो बस तब तक काम कर रहा था जब ये आपका फ्रेम चल रहा था वी मच मच लेस देन सी से, आराम आराम से चल रहा था, तब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, और तब आपका ये कह सकते हैं आप u′=u − v था, तब ये सब काम करता था। अभी जब ये आपकी इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा तो ना तो ये काम करेगा और ना ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाकी के इक्वेशन काम करेंगे, जो कह रहा था कि लेंथ इनवेरिएंट होता है और वेलोसिटी को ऐसे ऐड किया जाता है, टाइम दोनों में t′ और t सेम होता है,
ये सारी बातें फेल हो जाएंगी इस पर्टिकुलर केस में। यहां पर स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के रूल्स को अप्लाई करेंगे और वो कहता है उसके हिसाब से जो रिजल्ट आता है, डेरिवेशन तो करेंगे नहीं यहां पर, वो रिजल्ट क्या कहता है अप्लाई करने के बाद क्या आता है कि अगर ये फ्रेम आपका एस है और ये फ्रेम आपका एस डैश है और ये पॉइंट आपका पी है, ये फ्रेम एस है और ये फ्रेम एस डैश है, ये पॉइंट पी है, तो ऐसे केस में अगर हम वो पोजीशन वाली बात करें, पोजीशन को आपस में रिलेट करें, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पोजीशन के लिए, और ये आपका फ्रेम एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो वहां पर आता था सिर्फ एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी गैलीलियन वाले केस में, लेकिन यहां पर इसके अपान में एक टर्म आएगा, इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कर सकते हैं इसके अपान में बीटा आ गया, दैट मींस वन माइनस में वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपान अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, अब ये कोऑर्डिनेट का इक्वेशन काम करेगा दोनों को रिलेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर ये एक्स डायरेक्शन की अलोंग चल रहा है तो वाई और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा। और टाइम की बात करें तो टाइम जो आप मेजर करेंगे किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का, किसी भी फेनोमेना का, तो इस वाले फ्रेम में और इस वाले फ्रेम में टाइम सेम नहीं आएगा, जबकि उसमें सेम आता था, यहां दोनों में अलग अलग टाइम दिखाएगा और वो टाइम आएगा टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान में वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ठीक है ना, रूट के अंदर, ठीक। और ये जो आपका अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये पूरी वैल्यू लेस देन वन होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि वी जो होगा वो सी से होगा छोटा, और अगर वी होगा सी से छोटा तो डिवाइड करने पर यहां जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक से छोटा, और वन में से, वन से छोटे किसी नंबर को माइनस करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो वन से हो जाएगा छोटा, ठीक है। तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा वो एक से छोटा होता है, ये बात ध्यान रखना है, बाकी आप ये इक्वेशन याद रखें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, कि जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में फार्मूला पढ़ा हुआ था वो आया था आपका एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस में वी इंटू में टी, है ना, ठीक है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस में वी इंटू में टी। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहां से एक चीज आप समझ सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन हमें यहां से भी मिल सकता है, क्या ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हमें यहां से भी मिल सकता है। तो आपको पता है कि ये इक्वेशन तब यूज हुआ था जब वी सी से बहुत ज्यादा छोटा था, तो अगर ये वी सी से बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो ये नंबर एक से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और जब एक से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो वन में से जब इस छोटी चीज को माइनस करेंगे, ये बहुत ज्यादा छोटा है तो लगभग यहां पर क्या आएगा, वन आएगा, और जब लगभग यहां पर वन आएगा तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। यानी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही रिजल्ट मिलेगा जो वो बता रहा था, लेकिन उस वाले रूल को आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को उस केस में अप्लाई कर सकते हैं, वही रिजल्ट मिलेगा जो मिल रहा था, लेकिन उस वाले फार्मूले को आप यहां अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वैसा ही रहेगा और ये वाला रिजल्ट हमें कभी नहीं मिलेगा, जबकि ये सच्चाई है, ठीक है ना, ये रियलिटी है, ठीक है ना। चलिए यहां पर अब इसके बाद y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू t माइनस vx अपॉन c स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये पूरा आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम अगर बात कर ले इनवर्स, सॉरी गैलीलियन कहां से आ गया, यहां पर लॉरेंज लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो मिस्टेक्स हैं ये पीडीएफ में ऐसे ही जाएंगी, आप ध्यान रखिएगा कभी हमसे कोई गलती हो जाती है क्लास पढ़ाने में, जो कि बहुत नेचुरल सी बात है, वो मैं अगली क्लास में इंप्रूव कर लेता हूं, बट ये पीडीएफ आप पढ़ते टाइम ये बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ पीडीएफ पढ़ रहे होंगे और शायद आप वही पढ़ रहे हो जो लिखा हो, तो मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं मिटाने का, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। पीछे भी एक दो बार ऐसा हो चुका है, जैसे वो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस और वेलोसिटी वाला केस, ठीक है। तो यहां पर गैलीलियन नहीं, यहां पर लॉरेंज होगा। अब ये जो गलती हो गई इसको कोई ऑप्शन ही नहीं, इसको मिटा नहीं सकते, यहां पर ये इमेज है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, लॉरेंज ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी अपान में, अच्छा यहां पर देखिए ये इक्वेशन आपका था, ये आपका नॉर्मल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस में वी टी, यानी आपको एस वाले फ्रेम में इंफॉर्मेशन पता हो तो एस डैश फ्रेम में पता करने के लिए ये तरीका आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि आपको एस डैश फ्रेम में सारी बातें पता हो, आपको एस फ्रेम में पता करना हो, तो इसी इक्वेशन का आपको इनवर्स या रिवर्स करना होगा, इसका नाम होगा इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इनवर्स करने का तरीका वही है जैसे गैलीलियन वाले में आपने देखा था, कि अगर आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जाना चाहते हैं तो आपको x की जगह पर x डैश लिखना पड़ेगा, y और t की जगह पर t डैश लिखना पड़ेगा, और v की जगह पर माइनस ऑफ v लिखना पड़ेगा, है ना, डैश वाला सिंबल यूज नहीं हो रहा है, v की जगह पर माइनस ऑफ v यूज करना पड़ेगा। तो ये आप अगर करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो आपको वो वाला इक्वेशन ही पता चल जाएगा। लेकिन याद करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे आप कभी भी नॉर्मल इक्वेशन को ही याद करिए, चाहे वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का हो चाहे वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का हो, इनवर्स वाला मत याद करिए, क्योंकि ये बात तो आपको पता है कभी भी आप इससे ये चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए x डैश की जगह पर x लिख लेंगे, वहां पर लिख लीजिए, और x की जगह पर x डैश लिख लेंगे, और जहां पर वो देखिए प्लस में लिखा हुआ है ना, सॉरी यहां माइनस था v, तो v की जगह पर जब माइनस v लिखेंगे तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी इसमें और इसमें z और y में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि x के अलोंग मोशन हो रहा है, और टाइम वाले में देख लीजिए t डैश को t बोलेंगे, t को t डैश बोलेंगे, जैसे v को माइनस v बोला तो ये माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, तो vx / c² और अपान में स्क्वायर रूट 1 - v² / c², ठीक है, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखना, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में चीजें चेंज होती हैं, बाकी डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते हैं, टाइम की बात अलग है। अगर मोशन एक्स के अलॉन्ग हो रहा है तो एक्स में ये वाला इक्वेशन बनेगा, अगर ये मोशन वाई के अलॉन्ग होता तो बिल्कुल ऐसा ही वाई के केस में बनता कि वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और एक्स डैश इक्वल टू बन जाता एक्स। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट पर इफेक्ट पड़ेगा, बाकियों पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी एक सवाल है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंसीक्वेंस ऑफ लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो दोनों पोस्टुलेट थे आइंस्टीन के, उनको यूज करके ये लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपने देख लिया कि कैसे दो कोऑर्डिनेट को, दो फ्रेम के कोऑर्डिनेट को आपस में रिलेट करेंगे। बिल्कुल इसी चीज को, यानी जो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थे दोनों फ्रेम के लिए, उसी को यूज करते हुए यहां पर कुछ रिजल्ट निकाले गए हैं और ये रिजल्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये पढ़ा कि लेंथ जो होता है, फ्रेम एस हो चाहे फ्रेम एस डैश हो, रुका हुआ फ्रेम हो चाहे मूविंग फ्रेम हो, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो इनवेरिएंट होती है, दोनों में लेंथ हम सेम ही ऑब्जर्व करते हैं, सेम ही मेजर करते हैं। बट यहां ये बात सही नहीं है। ठीक है, यहां ये बात सही नहीं है, अगर आपका फ्रेम मूव कर रहा है तो मूविंग फ्रेम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और रेस्ट वाले फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट की लेंथ, वैसे तो दोनों इनर्शियल है, ये बात ध्यान रखिएगा, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है तो दोनों के दोनों क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अब जो इसकी स्पीड है इस फ्रेम की, वो नहीं है जो तब थी, तब v की वैल्यू बहुत ही कम थी, लेकिन अब v की वैल्यू काफी ज्यादा है। और ऐसे केस में आपका लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहता है कि ये लेंथ आप इसका जब मेजर करेंगे इस वाले फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में, और इस वाले फ्रेम में जो कि रेस्ट में है, दोनों में अलग अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक और बात, यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम इसको बोल रहे हैं मूविंग फ्रेम और इसको हम बोल रहे हैं रेस्ट वाला फ्रेम, क्योंकि ये फ्रेम हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये रुका हुआ है और ये मूव कर रहा है, लेकिन आपका ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ को आप मेजर करने की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट इस वाले फ्रेम के अंदर रखा हुआ है, ये जो आपका मूविंग फ्रेम है इसी फ्रेम के अंदर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपका ये फ्रेम तो मूविंग है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की आप लेंथ मेजर कर रहे हैं इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो आप कह सकते हैं कि ये वो फ्रेम है जो कि जिसके रिस्पेक्ट में ये जो आपका लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है। इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसी फ्रेम के अंदर रखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मान लीजिए कि ये कोई एक स्पेसशिप है और इसी स्पेसशिप के अंदर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम जब यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो पूरा स्पेसशिप जा रहा है और उसके अंदर रखा हुआ वो ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, दोनों मोशन में। लेकिन इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मूविंग फ्रेम, अभी हम बाहर से देखें तो मूविंग फ्रेम ये है और रेस्ट फ्रेम ये है, लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट के रेस्ट में बात करी जाए, रिस्पेक्ट में बात करी जाए, तो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम रेस्ट में है और इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम मूविंग है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप को तो रेस्ट मानता है ना। तो ये अगर अपने आप को रेस्ट मानेगा जबकि सच में ये इधर चल रहा है तो इसको क्या लगेगा, अगर ये अपने आप को रेस्ट मान रहा है तो ये कहेगा कि ये जो है इधर जा रहा है सेम वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये हुआ रेस्ट फ्रेम और इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये हुआ मूविंग फ्रेम, और हमारे बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए ये हुआ रेस्ट और ये फ्रेम हुआ मूविंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू बन जाता है कई बार सवालों में। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये जो फ्रेम है जिसमें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी लेंथ को हमने मेजर किया, अगर इसमें से अगर हम मेजर करें खड़े होकर के, तो ये हमें मिल रहा है L नॉट, और चूंकि इस ऑब्जर्वर या इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो इसने जो भी कुछ इसका लेंथ मेजर किया है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। ठीक है ना, यानी इस आप कह लीजिए जिसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके लिए आपने जो लेंथ इसका मेजर किया यहाँ पर इसके अंदर से, इस स्पेसशिप के अंदर ही आपने इसकी लेंथ को मेजर किया, तो आपको जो लेंथ मिला उसको बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट, इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपने इसको जो मेजर किया जबकि ये जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तब आपने जो इसका लेंथ मेजर किया वो हुआ आपका L, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन है L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आप यहां से देखिए बनेगा L अपॉन L नॉट, है ना, L अपॉन L नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा आपका अंडर रूट वन माइनस में वी स्क्वायर अपॉन क्या, सी स्क्वायर। और ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी जो वैल्यू है ये होती है लेस देन वन। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई पीछे शायद, थोड़ा वापस आते इधर, वापस आते इधर, ये जो पूरा टर्म है इसको हमने क्या बोला, ये लेस देन वन है, नहीं ये पूरा टर्म लेस देन वन नहीं है, सिर्फ ये जो अपान वाला टर्म है ये लेस देन वन होगा, है ना। आप देखिए वन माइनस में ये वन से छोटी कोई वैल्यू आएगी, तो वन माइनस में वन से छोटी कोई वैल्यू करेंगे, मान लीजिए वन बाई टू है, तो वन माइनस वन बाई टू करेंगे तो यहां से आएगा वन बाई टू, तो ये जो पूरी वैल्यू अपान में आ रही है वो होगी लेस देन वन। लेकिन वन के अपान में वन से छोटी कोई नंबर है तो ये रिवर्स होकर जब ऊपर जाएगा तो वन अपान वन बाई टू करेंगे तो यहां तो टू बन जाएगा, है ना। तो ये बात थोड़ा सा यहां पर लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा कि अपान वाला टर्म होगा लेस देन वन, अपान वाला टर्म।
तो यहां देखिए l इक्वल टू l नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो यहां से आप लिखते हैं l अपॉन l नॉट, ये आपका हो जाएगा l अपॉन l नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहां से अगर ये वैल्यू आप बोल रहे हैं लेस देन 1 है, इसका मतलब ये जो l अपॉन l नॉट है ये भी लेस देन 1 है, इसका मतलब जो l है वो l नॉट से कम है। यानी अगर आप इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को इस वाले फ्रेम में मेजर किया तो प्रॉपर लेंथ l नॉट आया, लेकिन इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में मेजर किया तो इस प्रॉपर लेंथ से कम निकल के आया, और जो कम वाली लेंथ आ रही है इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्पेसशिप के अंदर या मूविंग फ्रेम के अंदर कुछ रखा हो तो उस वाले आदमी को जो उस फ्रेम के अंदर है उसको तो एग्जैक्ट लेंथ दिखाई देगी, ऑब्जर्व करेगा वो, लेकिन हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में वो फ्रेम मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें जो दिखाई देगी, हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो उसके प्रॉपर लेंथ के रिस्पेक्ट में कम ऑब्जर्व करेंगे, छोटा ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, और इसको हम बोलेंगे प्रॉपर लेंथ, और ये जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ से कम है, इसको हम बोलेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और इसके लिए जरूरी है कि ये आपका ऑब्जेक्ट या ये पूरा फ्रेम जिसकी जो वी की वैल्यू है ये लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट होगा, तभी ये बात देखने को मिलती है। नहीं तो आपको पता है कि अगर v की वैल्यू c से बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो इसी फार्मूले में आप क्या लिखेंगे, l इक्वल टू l नॉट अंडर रूट 1 माइनस, अगर v की वैल्यू c से बहुत कम हो जाए तो डिवाइड करने पर ये बहुत ही स्क्वायर करके डिवाइड करने पर और ज्यादा कम हो जाएगा, और 1 में से जब बहुत छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो लगभग 1 आएगा, तो आप यहां पर 1 लिखते हैं तो l इक्वल टू क्या जाएगा l नॉट, मतलब चाहे आप इस वाले फ्रेम से मेजर करते चाहे आप इस वाले फ्रेम से मेजर करते सेम रिजल्ट निकल के आता, और यही आपने देखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर कि अगर इस फ्रेम की स्पीड या इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ही कम हो, ऐसे में किसी भी फ्रेम से आप इसकी लेंथ को मेजर करिए सेम निकल के आता है, लेंथ जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट था, लेकिन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, लेंथ छोटा हो जा रहा है, और वो छोटा लेंथ जो आएगा वो प्रॉपर लेंथ से इस तरीके से रिलेट करता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, जैसे अगर यहां से एक क्यूब हो, अगर यहां पर एक क्यूब रख दें जिसमें एल है बी है और एच है, तो अगर इस क्यूब को हम एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव करें तो उनके तीनों कोऑर्डिनेट में से सिर्फ वही कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो लेंथ ऑफ द रॉड एल मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर रिलेटिव टू विच द रॉड इज इन मोशन, रॉड मोशन में है, इज स्मॉलर देन इट्स प्रॉपर लेंथ एल नॉट। अगर हम किसी ऐसे फ्रेम से हम मेजर करें जो कि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसमें जो हमें लेंथ मिलेगा वो इसके प्रॉपर लेंथ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। L is the measured in frame S, or L dash is measured in frame S dash. ठीक है, समझ गए। चलिए next, तो ये हमारा length contraction हो गया। अब time dilation की बात समझ लेते हैं। Time dilation में क्या होता है कि यहाँ पर कोई घटना अगर हो रही हो moving frame के अंदर, ये जो आपका moving frame है, उस frame के अंदर अगर कोई घटना हो रही हो, अगर इस frame के अंदर यहाँ कोई घटना हो रही हो, और उस घटना का जो time interval है वो आपने एक बार इसी फ्रेम के अंदर रहते हुए मेजर किया है जिसके अंदर ये घटना हो रही है, और एक बार आपने यहां से मेजर किया, तो यहां से जो आप मेजर करते हैं वो है आपका डेल्टा टी नॉट, इसको बोलेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल। लेकिन यहां से जो आप मेजर करेंगे इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस घटना का, उस इवेंट का टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल जो आपको मिलेगा, आप देखिए इस तरीके का इक्वेशन था, तो आप बोल रहे थे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या हो गई, कम हो गई, तो अगर अपान में हो जाएगा तो उल्टा रिलेशन बनेगा, यानी इस बार जो ये वाली वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लेकिन टाइम डायलेट हो जाता है, टाइम स्लो हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, ठीक है ना, टाइम बढ़ जाता है, यानी डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो डेल्टा टी नॉट से ज्यादा है। यहां पर कोई भी घटना होगी इसके अंदर जो आप यहां से मेजर करेंगे, जितना भी आपने कि हाँ चलो 5 मिनट का टाइम, ये चीज जो है 5 मिनट तक चला, कोई बम ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ, आपने कहा कि ये 5 मिनट तक हुआ, लेकिन यहां से जब आप देखेंगे तो वो 5 से ज्यादा आएगा, ठीक है, ज्यादा आएगा, इनके रिस्पेक्ट में टाइम डायलेट हो जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम वो आपके हिसाब से लगेगा जबकि इनके हिसाब से टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश, ये चीज आपको याद रखना है। और ये इसका आपने ट्विन पैराडॉक्स नाम से सुना होगा, मैं शॉर्ट में इसको बोल देता हूं। ट्विन पैराडॉक्स क्या होता है, ट्विन पैराडॉक्स इसमें होता क्या है, यानी देखिए दोनों बातों को अगर हम समझे तो कहने का मतलब यह है कि इनके रिस्पेक्ट में जो भी टाइम आपको मिल रहा है वो है प्रॉपर टाइम, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में जो टाइम आपको मिल रहा है वो है डायलेटेड टाइम। डायलेटेड टाइम का मतलब इनके लिए टाइम बढ़ गया है, इनके लिए टाइम बढ़ गया है, मतलब जब यहां पर कोई चीज 5 मिनट में जो चीज हो रही होगी वो चीज इनके लिए कितनी हो जाएगी, 10 मिनट हो जाएगी, 20 मिनट हो जाएगी। तो अगर इसका हम लोग एक रियल एग्जाम्पल ऐसे समझे कि अगर हम इस फ्रेम के अंदर किसी आदमी को बैठा करके, इस मूविंग फ्रेम के अंदर किसी आदमी को बैठा करके ऐसे लॉन्च कर दें, ठीक है ना, भाई भाई है, दोनों जुड़वा है ट्विन पैराडॉक्स में, और यहां पर
ये उसका छोटा भाई यहां पर छूट गया, छोटा नहीं है जुड़वा भाई है, ये भाई इसका यहीं पर छूट गया और ये भाई स्पेस शिप के अंदर बैठ करके ऐसे लॉन्च हो गया। अब अगर 10 साल के बाद, मतलब इनके हिसाब से 10 साल के बाद जब ये लौट के आएंगे, माने 40 साल के बाद, 40 साल के बाद जब ये लौट के वापस आएंगे धरती पर, तो देखेंगे तो इनकी उम्र 80 साल बीत चुकी होगी या 60 साल बीत चुकी होगी, मतलब इनसे ज्यादा हो चुकी होगी, यानी ये बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन ये जैसे गए थे लगभग वैसे ही है, या जितना भी टाइम लिया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इनका जो टाइम होगा वो ज्यादा टाइम बीत गया होगा, लेकिन इनका कम टाइम बीता होगा, यानी इनके रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि टाइम रुक गई, ये बात बोल सकते हैं कि इनके रिस्पेक्ट में टाइम रुक गई है, टाइम स्लो चल रही है, इनके रिस्पेक्ट में टाइम तेजी से चल रही है, ठीक है। तो टाइम डायलेट हो जाता है इस वाले उसमें, टाइम आपका धीरे धीरे बीतता है लेकिन यहां पर टाइम तेजी से बीतता है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अंडर रूट अपान में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। बस इतना याद रखना कि इनके केस में ये टाइम ज्यादा होगा और इनके केस में ये टाइम कम हो जाएगा, यहां टाइम बढ़ जाएगा और यहां टाइम कम रहेगा, ठीक है। तो इट मींस दैट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर द मूविंग क्लॉक विल अपीयर टू गो स्लो। ये जो आपका मूविंग ऑब्जर्वर है, मूविंग ऑब्जर्वर अब ये बोला जाएगा, ये मूविंग ऑब्जर्वर थोड़ी है, ठीक है ना। एक सेकंड। इट मींस दैट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर द मूविंग क्लॉक, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर हुआ आपका, द मूविंग क्लॉक विल अपीयर टू गो स्लो। तो इनके हिसाब से अब देखिए यहां पर स्टेशनरी जो वर्ड लिखा हुआ है ये किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो देखना पड़ेगा कि जो इवेंट है उसके हिसाब से। तो इसका अगर इस स्टेटमेंट का मतलब अगर देखें हम, तो इनका जो टाइम है, इनकी जो घड़ी है वो चल रही है तेजी से और इनकी घड़ी चल रही है धीरे धीरे, यानी इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो घड़ी होगी वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा टाइम डायलेशन का, और ये फार्मूला आप याद रखेंगे लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का। इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, आपको इनको अच्छे समझ लेना, इनको यूज करने का तरीका भी याद रखना है। यहां पर जो वैल्यू है वो प्रॉपर वाली वैल्यू है, यहां पर ये डायलेटेड वैल्यू है और यहां पर ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, ठीक है। चलिए, बाकी अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा हो गया होगा तो आप उसको ध्यान रखिएगा, आप इस पे भरोसा करिए, स्टेटमेंट में कुछ इधर उधर झोलझाल हो सकता है, ठीक है। आप फार्मूले को याद रखिए। अच्छा, ये था आपका ट्विन पैराडॉक्स, जो कि दोनों की एज में डिफरेंस आ गया, और ठीक है। चलिए, हाँ, लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसके क्वेश्चंस को करने में, तो हम लोग अगली क्लास, इसीलिए हमने बोला कि अगली क्लास होगी वो इस क्लास का कॉम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो यहाँ पर थोड़ा पर आगे पीछे हो जा रही हैं, जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो एकदम एग्जैक्ट इन वर्ड्स का जो भी टर्म यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है वो हमें क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर होगा। तो अगली क्लास जो न्यूमेरिकल वाली होगी, हो सकता है उसको दो पार्ट में करना पड़े, क्योंकि काफी कुछ इसमें एक्सप्लेन करना होगा इसके न्यूमेरिकल्स में हर एक क्वेश्चन के पीछे। अगर पॉसिबल हुआ तो एक ही क्लास में 2.5 घंटे या 3 घंटे जो भी लगेगा एक ही क्लास में हो जाएगा, नहीं तो दो पार्ट भी करना पड़ सकता है इसको, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा आपको। चलिए, जैसे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम ही देख लीजिए, ये बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये वाला थ्योरम हम तब अप्लाई कर रहे हैं जब हमारा ये फ्रेम जो है इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है, तब। अगर इसकी स्पीड कम होती है तो वैसे केस में आपने पीछे पढ़ रखा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में u - v, या आप कह सकते हैं u = u - v, मतलब इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल टू क्या, ये हो जाएगी u - v, मतलब इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस इस वाले फ्रेम की वेलोसिटी। ये आपने लिखा था u = u - v कब, जब आपका फ्रेम बहुत ही कम स्पीड से आगे बढ़ रहा था, तब आप इस तरीके से वेलोसिटीज को ऐड करते थे, रिलेटिव वेलोसिटीज आप ऐसे निकालते थे इस तरीके से ऐड करके। लेकिन अब ये वाला एडिशन काम नहीं करेगा, आप देखिए u - v के अपान में भी इतना पूरा टर्म आपको मिल रहा है, और ये टर्म आप कब यूज करेंगे, जब v की वैल्यू c के कंपेरेबल होगी तो आपको ऐसे एडिशन करना है, और जब v की वैल्यू c से बहुत कम होगी तो गैलीलियन के रूल के अकॉर्डिंग आपको ऐसे एडिशन करना है, ठीक है। तो पहले तो यहां से फार्मूला आता है u = u - v, इस तरीके से आता है, या तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसको याद रखिए, है ना, क्योंकि नाम ही इसका है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वो भी रिलेटिविस्टिक केस में। तो u = u - v, इसे आपको याद भी रहेगा, u = u - v होता था तो इस बार क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 1 + u - v और अपान में c स्क्वायर। और अगर इसी का आपको इन्वर्स करना है, ये जो इक्वेशन आपने बनाया इसका अगर आपको इन्वर्स इक्वेशन बनाना है तो इन्वर्स बनाना आपको आता ही है, क्या करना पड़ेगा, अगर u को आप u- लिखेंगे और u- को आप u लिखेंगे, ये काम आपको यहां भी करना पड़ेगा, देखिए यहां u- है तो यहां u लिख दिया हमने, और जहां v लिखा होगा वहां पर माइनस ऑफ v करना पड़ेगा, है ना, जहां पर v लिखा था वहां पर माइनस ऑफ v करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस v करेंगे तो माइनस v इधर हो जाएगा, ये वाला प्लस v माइनस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में जाने का तरीका आपको पता है, इनवर्स वाला रूल अप्लाई करना है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, चाहे गैलीलियन का हो चाहे लॉरेंज का हो, ठीक है। तो आप ये ऊपर वाला इक्वेशन मत याद करिए, आप सिर्फ नाम के हिसाब से चलिए और इससे रिलेट करके चलिए, तो भूलेगा नहीं। u = u - v, अब u का मतलब जहां जहां u लिखा हुआ मतलब नॉर्मल वेरिएबल है वो इसके हो गए, और जो डैश वाले हो गए वो इसके हो गए, और लेकिन v आपका अलग है, v है इस फ्रेम की स्पीड, इस फ्रेम की स्पीड, लेकिन इसी वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया u = u - v + 1 + u - v और अपान में c स्क्वायर।
तो जनरली हमें यही वाला यू कैलकुलेट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यू डैश का सवाल आता है, तो अगर यू डैश का सवाल आएगा तो हमें ऐसे यूज करेंगे, अगर यू वाला सवाल आएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे। ट्रांसपोज वगैरह करने का आप तरीका मत उसमें करिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन है एक्चुअली थियरी से रिलेट करके इसको समझते हैं, है ना, कि इसमें कह रहे हैं कि इफ यू डैश इक्वल टू सी, यू डैश मतलब यहाँ जो पार्टिकल था उसका इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने यू डैश नाम दिया था। अब यहाँ बोल रहे हैं यू डैश इक्वल टू सी, और सी किस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, लाइट के पार्टिकल को, जिसको हम क्वांटा या फोटोन बोलते हैं प्लैंक के क्वांटम प्रिंसिपल से। तो वो जो लाइट का पार्टिकल है फोटोन, उसकी जो स्पीड है सी, अगर वो मान लीजिए यहाँ पर फोटोन की हम बात करें, ये फोटोन है, तो अगर लाइट इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में सी स्पीड से चल रहा है तो इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल आपका जो एडिशन थ्योरम है वेलोसिटीज का, वो क्या बोल रहा है कि अगर ये चल रहा है आपका सी से और ये आपका चल रहा है वी से, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी सी प्लस में वी, सी प्लस में वी होनी चाहिए। यही तो है, अगर इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल सी से चल रहा है और ये खुद फ्रेम आपका वी से चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हर सेकंड ये वी मीटर आगे जा रहा है और इसके रिस्पेक्ट में हर सेकंड ये सी मीटर जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल कितना गया होगा, इसका वी और इसका सी मिला के सी प्लस वी। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो सी स्पीड है वो लाइट की स्पीड है, और लाइट की जो स्पीड होती है वो फ्रेम्स पे डिपेंड नहीं करती है कि मतलब ऑब्जर्वर और आपका जो सोर्स होता है उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम में लाइट की स्पीड सी होती है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट आपने पढ़ा, उसी को अप्लाई करेंगे और उसी से ये रिजल्ट आया हुआ था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बोलते हैं। और यहां पर हमने वी की जगह पर, वी नहीं, वी तो इस फ्रेम की स्पीड है, ये जो आपका यू डैश है कहां गया, ये यू डैश जो है जहां जहां यू डैश आया हुआ है वहां वहां सी रखेंगे, तो मिलेगा सी प्लस वी अपॉन वन प्लस सी इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा सी प्लस वी अपॉन में वन प्लस वी अपॉन सी, सी प्लस वी और ये सी ऊपर चला जाएगा, तो सी प्लस वी से सी प्लस वी कैंसिल, सी आ जाएगा आंसर। आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि दोनों को कम से कम ऐड होना चाहिए था इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन नहीं, चाहे आपका फ्रेम वी स्पीड से चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो, बहुत तेजी से चल रहा हो और बिल्कुल भी ना चल रहा हो, हर केस में लाइट की स्पीड आपको सी मिलेगी, ये बात कंफर्म है। और इसको याद कर लीजिए एज अ रिजल्ट, ऐसे वाले सवाल इस टाइप के अगर बना के कभी दिए जाए लाइट की स्पीड के रिगार्डिंग, तो कुछ नहीं करना कैलकुलेशन में, सीधे आपको चेक कर लेना सी कहां लिखा हुआ है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला देख लीजिए। अच्छा ये बात होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, तो किसी भी फ्रेम में आप, इसमें आपने सी माना ही था और इसमें भी निकाला तो सी ही आया। अगला, इफ यू डैश इक्वल टू सी एंड वी इक्वल टू सी, अब देखिए आपका ये जो मतलब यू डैश इक्वल टू सी मतलब लाइट यहां से, ये जो लाइट है फोटोन है वो सी स्पीड से चल रहा है और आपका ये फ्रेम भी सी स्पीड से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपने अभी तक यही पढ़ा था ना कि अगर ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, है ना, और ये भी जाने लगे अगर 2 मीटर पर सेकंड से, तो अगर हम इसको ए बोलें, इसको हम बी बोलें, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको निकालना है तो आप यही तो बोलते थे वी ए माइनस में क्या वी बी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका क्या आएगा, जीरो आएगा आंसर, दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका और इसके रिस्पेक्ट में इसका जीरो आएगा। लेकिन यहां देखिए ये पार्टिकल इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सी स्पीड से चल रहा है, ये फ्रेम भी आपका सी स्पीड से चल रहा है, और ऐसे केस में अगर आप देखें, ऐसे केस में आपको क्या मिल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं इसकी स्पीड तो कितनी मिलती है, सॉरी ये तो दूसरी बात हो गई, है ना, अगर हम ये खुद अगर सी से चले, अगर ये खुद सी से चले और ये भी सी से चले तब भी सी मिलेगा, लेकिन अगर ये सी से चले और ये सी से चले तो इसके रिस्पेक्ट में सी प्लस सी करके यहां से टू सी आना चाहिए था, लेकिन टू सी नहीं आएगा। ये आपका देखिए यू डैश इक्वल टू सी और वी इक्वल टू सी, फिर से हमने इसी फार्मूले में वैल्यू रखी, तो सी प्लस सी अपॉन वन प्लस सी सी अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल किया, यहां से वन प्लस वन टू और यहां से टू सी, टू से टू कैंसिल हुआ, सी आ जाएगा। कोई भी फ्रेम हो, कैसा भी उसका अपना स्पीड हो, इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, वैसे केस में आपको जो मिलेगी स्पीड ऑफ लाइट वो सी मिलेगी। तो एडिशन ऑफ एनी वेलोसिटी टू सी, आप देखिए इस वाली वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी को हम ऐड ही तो कर रहे थे, लेकिन दोनों को ऐड करने पर सी और सी करने पर टू सी नहीं आया, तो एडिशन ऑफ एनी वेलोसिटी टू सी मियरली रिप्रोड्यूसेस सी, है ना, अगर किसी भी सी वाली वेलोसिटी में कोई भी वेलोसिटी जोड़िएगा तो वो फाइनली सी वेलोसिटी ही आपको देगा, और सी इज द मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी। ठीक है ना, यानी अच्छा ये बात याद रखनी है आपको, ये हम आगे पढ़ेंगे कि सी जो है वो मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी है, किसी भी पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो सी हो सकती है, भले ही आप उस सी में एक और सी जोड़ रहे हैं लेकिन फिर भी क्या दे रहा है आपको, सी दे रहा है, वो बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है ना, मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी सी होती है, ये सी से जा रहा था, ये भी सी से जा रहा था, इसके हिसाब से टू सी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सी और सी मिलाकर के भी क्या हुआ, सी ही बना, इसका मतलब सी से ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ आपका वेलोसिटी एडिशन थ्योरम।
हाँ ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल दिया आपने कि अगर कार रुकी हुई है, उससे जब लाइट निकल रही है तो उसकी वेलोसिटी सी है, और कार की हेडलाइट को जला करके और कार को दौड़ा रहे हैं तभी लाइट की वेलोसिटी हमारे रिस्पेक्ट में सी ही होगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के साथ मास का वेरिएशन देखना। लेंथ का देख लिया, टाइम का देख लिया है ना, और स्पीड का भी देख लिया। अब हमें मास के बारे में बात करना है कि स्पीड के साथ मास कैसे वेरी होता है। तो इसका रिलेशन है m इज इक्वल टू m नॉट अपान में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। इस वाले फार्मूले में जैसे टाइम वाला फार्मूला था कि t इक्वल टू t नॉट अपान अंडर रूट है ना, तो उसमें आपने बोला t इज ग्रेटर देन t नॉट, वैसे यहां पर भी रिलेशन है m इक्वल टू m इज ग्रेटर देन m नॉट। ये जो m नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जब पार्टिकल रेस्ट में था तब जो मास आपने कैलकुलेट किया था। और ये m जो है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक मास। काइनेटिक मास, तो जो काइनेटिक मास होता है वो रेस्ट मास से हमेशा ज्यादा होता है, और जो रेस्ट मास होता है किसी भी बॉडी का, किसी पार्टिकल का, वो लीस्ट मास भी होता है। रेस्ट मास इज द लीस्ट मास, रेस्ट मास इज द लीस्ट मास, ये बात याद रखिएगा। लीस्ट मास का मतलब इससे कम मास उसका नहीं, लेकिन अगर वो रेस्ट से थोड़े भी स्पीड में आ रहा है तो उसका मास थोड़ा बढ़ गया, और स्पीड में आया तो मास और बढ़ गया, और स्पीड में आया तो मास और बढ़ गया। इस तरीके से स्पीड पर डिपेंड करता है मास, स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है। अगर स्पीड बहुत ही कम है लाइट के रिस्पेक्ट में, ये पूरी वैल्यू हो जाती है नेग्लिजिबल, और ये पूरी वैल्यू जब नेग्लिजिबल हो जाती है तो ये 1 माइनस नेग्लिजिबल वैल्यू करेंगे तो 1 ही निकल के आएगी, m इक्वल टू m नॉट हो जाएगी। मतलब कोई बॉडी अगर v बहुत ही ज्यादा कम है c से, ऐसे में उसका रेस्ट मास और उसका मोशन में मास सेम होता है। मतलब काइनेटिक मास और रेस्ट मास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब v बहुत कम होता है c से, यानी कि डेली लाइफ में हम जो भी चीजों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, उसमें उसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से बहुत ही कम होती है। ऐसे केस में हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट मास और काइनेटिक मास को सेम ही मानते हैं। हम कहते हैं कि मोशन के साथ मास वेरी नहीं हो रहा है। और न्यूटन के लॉज, जहां पर हम न्यूटन वाली फिजिक्स अप्लाई करते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, वहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि मास को हम लोग कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, कि मास जो है वेरी नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। लेकिन ये बात याद रहे कि कब तक, सिर्फ तब तक, यहां तक मास भी वेरी होने लगेगा जब वी की वैल्यू सी से काफी ज्यादा होगी, सॉरी सी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, सी के इक्विवेलेंट होगी, तो ऐसे में मास भी वेरी होने लगता है। मास फिर कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताता है। यहाँ पर ये ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि स्पीड के साथ मास कैसे वेरी होगा। तो ये ग्राफ में आप देख लीजिए, ये है आपका वी और ये है आपका एम। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि सी वाली स्पीड अगर यहाँ पर दिखाएं तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे, ये देखिए, जैसे जैसे हम वी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मास बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन सी तक ये पहुंच नहीं पाया। मतलब किसी भी पार्टिकल का मास स्पीड जो है वो कभी भी सी नहीं हो सकता। किसी भी पार्टिकल का जो स्पीड है वो सी कभी भी नहीं हो सकता है। पीछे भी आपने देखा मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी सी होता है। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मटेरियल पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो सी के इक्वल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सी के इक्वल होने के लिए, यहां पर पहुंचने के लिए ग्राफ ही देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है, ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा इसको टच करने से पहले। इसका मतलब इसका मास हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी सी को टेंड करने लगे तो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। और एनर्जी मास रिलेशन बोलता है कि अगर मास इन्फिनिटी तो एनर्जी भी इन्फिनिटी। लेकिन किसी फाइनाइट मास वाला जो पार्टिकल था, सिर्फ वेलोसिटी की वजह से उसकी एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाए, छोटे से पार्टिकल की एनर्जी इनफाइनाइट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। तो ये चीज भी पॉसिबल है नहीं कि उसका मास वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते सी के बराबर हो जाए और उसका मास इन्फिनिटी हो जाए। ये किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ भी आपको ये बात बताता है। ठीक है, ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ m नॉट को रेस्ट मास बोलेंगे, m को काइनेटिक मास बोलेंगे, v अगर c से बहुत ही कम होगा तो आप इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कुल मिला के m इक्वल टू m नॉट मिलेगा, जो कि न्यूटन के केस में नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में हम ये अप्लाई करते हैं। अगर v c के इक्विवेलेंट हो तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट काम करता है, और ऐसे में m ज्यादा हो जाता है m नॉट से, मास वेरी हो जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है। और अगर v इक्वल टू c ले लें या v टेंड्स टू c ले लें तो m टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये बात भी पॉसिबल नहीं है, और ये ग्राफ भी आपको ये बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन का एक बहुत ही फेमस ये रिलेशन है कि एनर्जी मास रिलेशन इसको बोलते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास, कोई भी पार्टिकल के पास अगर मास है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, उस मास के इक्विवेलेंट कुछ एनर्जी। अगर वो मास डिस्ट्रॉय होगा या चेंज होगा, डिस्ट्रॉय होने का मतलब वो मास अगर आप किसी भी तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म में, अगर वो मास पूरा गायब हो रहा है, वो बदले में कुछ एनर्जी आपको देके जाएगा, उस मास के इक्विवेलेंट कुछ एनर्जी देके जाएगा। अगर किसी चीज के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, इसका मतलब कि आप कह सकते हैं उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मास के इक्विवेलेंट वो एनर्जी आ गई है, तो आप उसके मास को ज्यादा बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई ठंडी चीज है और फिर उसको आपने थोड़ा गर्म कर दिया, इसका मतलब कि गर्म हुआ तो इसका मतलब कुछ आपने इसको एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया।
और एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, कन्वर्ट करने का ये रिलेशन है। तो अगर आपने इसको इससे थोड़ी एनर्जी दे दी ज्यादा, इसका मतलब कि इसका मास होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा, इसको बोलते हैं एनर्जी मास रिलेशन। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास जो एनर्जी इसके मास की वजह से होगी वो हो जाएगी ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ये कब, जब बॉडी आपके रेस्ट में है तो रेस्ट मास के इक्विवेलेंट रेस्ट एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है तो एक तो इसके मास की वजह से कुछ एनर्जी होगी, बाकी इसके पास कुछ अपने स्पीड की वजह से भी एनर्जी है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी होती है, अब तो ये मोशन में आ गई ना, तो जब मोशन में आ गई तो अब ऐसे में इसकी टोटल एनर्जी निकालने के लिए यही वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, तो जब रेस्ट में था तो रेस्ट मास एनर्जी निकालने के लिए आपने रेस्ट मास यूज किया, जब मोशन में आ गया तो ये एनर्जी निकालने के लिए आपको मोशन वाले मास यानी कि काइनेटिक मास को यूज करना पड़ेगा, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये मोशन में है तो मोशन वाली एनर्जी इज इक्वल टू मोशन में उसका मास और सी स्क्वायर, जब ये रेस्ट में था तो रेस्ट वाली एनर्जी रेस्ट मास और सी स्क्वायर, और साथ में ये मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक मतलब ये मतलब काइनेटिक मास की एनर्जी और ये रेस्ट मास की एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको हमने बोला क्या रेस्ट मास एनर्जी, इसको हमने बोला काइनेटिक मास एनर्जी, और इसको बोला सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। जनरली क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इसमें पूछते हैं आपसे, काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा रेस्ट काइनेटिक मास एनर्जी माइनस में रेस्ट मास एनर्जी। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस कर दें, आप चाहे तो यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एम माइनस में एम नॉट, और यहां पर हो जाए m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा होती है, आपको पता भी है इसलिए पॉजिटिव आएगा, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो k इक्वल टू m माइनस m नॉट इनटू में c स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये रिलेशन आप याद रखिए कि अगर मोशन में है, ऐसे आप इसको इन जनरल याद रखिए कि अगर ये रेस्ट वाला है तो ये रेस्ट वाली एनर्जी है, ये मोशन वाला है तो ये मोशन वाली एनर्जी है। तो यहां पर अगर हम m नॉट लिखे तो यहां पर e नॉट हो जाएगा, अगर m लिखे तो यहां पर e हो जाएगा। लेकिन ये मोशन में अगर एनर्जी है पूरी बॉडी की टोटल, तो मोशन में एनर्जी का मतलब रेस्ट में जो मास की वजह से एनर्जी थी प्लस मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी थी ही, मतलब ये चीज और ये चीज सेम है, इसी को हमने इक्विवेलेंट करके ये इक्वेशन बना दिया है, ठीक है। बस बाकी ये बात आपको पता है कि रेस्ट मास इज द लीस्ट मास, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, रेस्ट से छोटी तो कुछ चीज हो नहीं सकती, रुका हुआ है, उसके बाद थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाएंगे ही तो मास भी बढ़ेगा ही, ठीक है। चलिए ये हो गया 20 पेज पूरे, यानी एक स्लाइड आई थिंक और है, एक स्लाइड और है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन होगा, और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका पूरा रिलेटिविटी कंप्लीट हो जाएगा। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बिना न्यूमेरिकल को किए भी, अगर आप न्यूमेरिकल वाला लेक्चर नहीं भी देखते हैं तो इतनी चीजें इसमें हैं कि पॉसिबिलिटी है कि सारी की सारी प्रॉब्लम आप कर ले जाएंगे। लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम जैसे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के ऊपर या किसी पर्टिकुलर केस में ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस किए रहे तभी आप उसको वहां पर कर पाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर नॉर्मली फार्मूले अगर पता है तो वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर लेंगे, टर्मिनोलॉजी पता है तो आप उसका मीनिंग समझ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये लास्ट स्लाइड है, और इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। भाई जब पार्टिकल आपका आराम आराम से चल रहा था नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, तो उसका मोमेंटम लिखते थे मास इनटू में वेलोसिटी, ये होता था रेस्ट मास आपका। तो जब ये रेस्ट मास होता था और ये बहुत ही कम वेलोसिटी होती थी, तो ये आपका नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हुआ करता था। लेकिन अगर पार्टिकल आपकी बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से चलने लगे, तो यहाँ रेस्ट मास की जगह पर हमें काइनेटिक मास लिखना पड़ेगा, और ये वेलोसिटी, अब यहाँ पर जो आपको मोमेंटम मिलेगा ये आपका हो जाएगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है, बहुत हाई वेलोसिटी है, और ये मास की जगह पर रिलेटिविस्टिक मास या काइनेटिक मास है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि टोटल एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आपको पता भी होगा, E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C पावर 4। यहां पर ये है पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, और ये है पार्टिकल की टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब क्या, टोटल एनर्जी का मतलब कि रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ये है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी, ये है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, ये आपको पता है रेस्ट मास है। तो E square equal to P square C square M not square C power 4, हर जगह square square square, यहाँ पर power 4, ठीक है। तो ये एक famous equation है, इसको भी याद रखना है। बाकी अगर आप इस equation को use करें किसी massless particle के लिए, जैसे कि photon की बात करें, ठीक है ना, तो photon के लिए अगर हम बात करें, photon का rest mass होता है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो photon के लिए E square equal to P square C square बन जाएगा, यानी E equal to हो जाएगा क्या, P into में C, E equal to क्या हो जाएगा, P into में C, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिए क्या है, पॉसिबल ओनली इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ही, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ही कह रहे हैं कि जो मासलेस पार्टिकल होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। मासलेस पार्टिकल सिर्फ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पॉसिबल होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल का मास मान लेते हैं m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू अगर आप 0 ले लेते हैं, तो ऐसे केस में एक प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जब उसका मोमेंटम निकालेंगे पार्टिकल का m इंटू वी से, तो आपको क्या मिलेगा,
आपको यहां पर मिलेगा m इक्वल टू p इक्वल टू m इंटू वी से अगर हम m की जगह पर यहां पर आए m इक्वल टू m नॉट और अपान में अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर और इसके बाद यहां पर v. अगर आप रेस्ट मास को सॉरी हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होगा रेस्ट मास ही होगा काइनेटिक मास की तो बात करते नहीं तो यहां पर m की वैल्यू हो जाएगी जीरो तो ये पूरा मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो और मोमेंटम जीरो हो जाएगा मोमेंटम की जगह पर जीरो रखेंगे और रेस्ट मास को आपने जीरो बोला ही क्लासिकल मैकेनिक्स में रेस्ट मास ही होता है यहां भी जीरो रखेंगे तो पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो ध्यान समझिए क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ हम लोग रेस्ट मास की बात करते हैं काइनेटिक मास तो वहां होता नहीं तो रेस्ट मास और काइनेटिक मास भी सेम ही होता है तो यहां m नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो और जैसे ही आप m नॉट इक्वल टू जीरो रखेंगे आपका जो मोमेंटम निकल के आएगा वो मोमेंटम निकल के आएगा जीरो और मोमेंटम जीरो जब आएगा यहां पर आप रखेंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो यानी अगर आप किसी एक ऐसे पार्टिकल को इमेजिन करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में जो कि बहुत कम स्पीड से चल रहा है ऐसे केस में अगर आप m नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं तो उसका मोमेंटम और एनर्जी दोनों जीरो आ रहा है जबकि पार्टिकल के लिए ये दोनों होना कंपलसरी होता है कोई भी अगर पार्टिकल होता है मटेरियल पार्टिकल होता है तो उसके पास पार्टिकल का नेचर भी होना चाहिए उसके पास मोमेंटम भी होना चाहिए उसके पास एनर्जी भी होना चाहिए लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने जैसे ही मासलेस पार्टिकल को इमेजिन किया तो हमने उसका मोमेंटम निकाला तो जीरो आया हमने उसकी एनर्जी यहां से निकाली वो भी जीरो आ गई इसका मतलब कि ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर ये पार्टिकल ही नहीं है जिसके पास मोमेंटम नहीं है एनर्जी नहीं है लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ऐसा पार्टिकल है पॉसिबल जिसका रेस्ट मास क्या होगा जीरो होगा लेकिन उसके पास एनर्जी भी होगी उसके पास मोमेंटम भी होगा और उसी पार्टिकल का नाम है फोटोन आपको पता है फोटोन का रेस्ट मास होता है जीरो लेकिन रेस्ट मास जीरो होने की वजह से इसकी एनर्जी या इसका मोमेंटम इसका काइनेटिक मास जीरो नहीं होता है इसका काइनेटिक मास जीरो नहीं होता है तो इसकी कुछ एनर्जी भी होती है और इसका कुछ मोमेंटम भी होता है मोमेंटम के लिए आप लिखेंगे मास इनटू में वेलोसिटी और मास ये काइनेटिक मास है ना ये काइनेटिक मास है तो इसका काइनेटिक मास जीरो नहीं होता है ठीक है काइनेटिक मास जीरो नहीं होता इसलिए इसका मोमेंटम भी जीरो नहीं होता है पहली बात दूसरी बात एनर्जी की बात करें एनर्जी की बात रेस्ट मास तो जीरो कर दिया तो रेस्ट मास जीरो कर देंगे तो यहां से E बराबर P इंटू C आ जाएगा मोमेंटम जीरो नहीं होता है फोटॉन का मोमेंटम जीरो नहीं होता क्योंकि उसका काइनेटिक मास जीरो नहीं होता तो फोटॉन के लिए हम देखें तो मोमेंटम भी एग्जिस्ट कर रहा है और एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है वो भी तब जब हमने इसका रेस्ट मास जीरो लिया है तब ठीक है यानी रिलेटिविस्टिक केस में फोटॉन जो कि C स्पीड से लाइट की स्पीड से चलता है फोटॉन उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल का मास जीरो हो रेस्ट मास जीरो हो यानी मासलेस पार्टिकल पॉसिबल है और पार्टिकल है तो उसके पास एनर्जी भी है मोमेंटम भी जबकि क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं ठीक है बस इसके बाद ये जो आपका मासलेस पार्टिकल है फोटॉन उसकी एनर्जी और उसका मोमेंटम ये सारी चीजें आप देख लीजिए फार्मूला होता है E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर तो यहां से एम इक्वल टू हो जाएगा ई अपान में सी स्क्वायर पहली बात दूसरी बात अगर हम मास के लिए ये जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें हम प्लैंक का क्वांटम प्रिंसिपल यूज करें प्लैंक का क्वांटम प्रिंसिपल फोटोन के लिए क्वांटा के लिए तो E इक्वल टू एच न्यू भी होता है तो यहाँ पर एच न्यू लिखेंगे तो अपान में सी स्क्वायर आ जाएगा तो ये होगा फोटोन के काइनेटिक मास का फार्मूला दूसरा अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू में वेलोसिटी और फोटोन की बात हो रही है तो ये होगा फोटोन का रिलेटिविस्टिक मास या काइनेटिक मास और ये होगा फोटोन की वेलोसिटी तो यहां पर आपको पता है मास अभी हमने यहां पर लिखा हुआ था h nu upon c square तो h nu upon c square into में c c से c कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा h nu upon में c और आपको पता है nu is equal to होता है c by lambda तो इस nu की जगह पर जैसे हम लिखेंगे c by lambda और upon में इधर c पहले से था कैंसिल हो जाएगा तो p equal to मिलेगा h by क्या lambda तो फोटोन के लिए फोटोन का जो मोमेंटम है इज इक्वल टू h by lambda ठीक है ये देखिए मोमेंटम जो कि पार्टिकल का नेचर है और लैम्डा जो कि वेव का नेचर है ना तो ये आपका जो लाइट जिसे हम लोग वेव मानते थे उसके मोमेंटम का ये फार्मूला बोल रहा है कि ये पार्टिकल का नेचर शो कर रहा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के लिए भी बिल्कुल यही फार्मूला आपने देखा था जब इलेक्ट्रॉन की बात होती थी इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है उस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव बनती है और उसका भी एग्जैक्ट फार्मूला डी ब्रॉगली ने यही दिया था जो फोटोन के लिए होता है फोटोन के लिए जो ये फार्मूला होता है मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन डी ब्रॉगली ने यही डेरिवेशन किया था और बोला कि यही फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए भी लागू होगा कि अगर वो मूव करेगा तो उसके पास जो मोमेंटम होगा यहाँ पर मोमेंटम रखा जाएगा और उस मोशन में उसके साथ जो वेव बनेगी जिसको डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव बोलते हैं उसका वेवलेंथ भी हम निकाल सकते हैं तो वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर को इसने रिलेट कर दिया इसको हम डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं ठीक है तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और डुअल नेचर ऑफ मैटर दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ठीक है ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा बस इसके बाद नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है फोटोन आपका नॉन इलेक्ट्रिकल होता है इसका मतलब फोटोन जब चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से या मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराने पर ना तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा और ना ही मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा यानी वो डेविएट नहीं होगा इस बात को बोलने का ये मतलब अगर फोटोन या लाइट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो तो उसके पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी यही बात यहां पर ये बोल रहा है ठीक है तो इतनी बातें ये सब आपको याद रखनी है और इसी के साथ आपका ये रिलेटिविटी पूरा हो गया ठीक है।
चलते हैं, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।